एक्टिव हो जाएं। पार्टिसिपेंट आ जाने दो, फिर करते हैं स्टार्ट। आवे हैं काफी आवे हैं। यैष सुप्तेषु जाग्रति यैष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते सभी को नमस्कार। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्रिटिकल इश्यूज इन टैक्स ऑडिट एंड द कॉमन एरर्स इन टैक्स ऑडिट एंड विच इज टेकन ओवर बाय वेरी एनर्जेटिक लिटिगेशन एक्सपर्ट्स डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट्स एंड योर ओन स्टडी सर्कल मेंबर सीए मनोज मित्तल जी। वैसे तो टॉपिक हमारा टैक्स ऑडिट का ऐसा है कि आप जितनी बार भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे या सुनेंगे कोई ना कोई नई चीज हमें जरूर उसमें से मिलती है। और कितने सालों से हम कर ही रहे हैं टैक्स ऑडिट पर, फिर भी हर साल जब भी हम मीटिंग लेते हैं टैक्स ऑडिट की तो नई नई चीजें निकल के आती हैं। और कुछ कॉमन एरर भी ऐसे एरर हैं जो नोइंगली और अननोइंगली हम लोगों से हो जाते हैं। बट अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंस्टीट्यूट में भी अलग से एक बोर्ड है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, रिव्यू जो करते हैं रिपोर्ट को, तो बड़े विजिलेंट होके हमें साइन करनी होती है रिपोर्ट के, कोई गलती मिस्टेक ऐसी रहना जाए। क्योंकि ऑनलाइन भी रिटर्न से लिंक है सारी 3 CD, उसमें भी कई बार एडिशन 143(1) में हो जाती हैं। तो उन्हीं सभी मिस्टेक्स को ओवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हमने मनोज भाई से रिक्वेस्ट की और मनोज जी ने काफी सेमिनार इस टॉपिक पर ली है। अभी रिसेंटली गुजरात में भी इसी टॉपिक पे एक दो मीटिंग हुई है और काफी सर्कल में मनोज जी ने इस पे स्पीच दिया है इस टॉपिक पे। तो इसीलिए हमने मनोज जी से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे सर्कल में भी करें इसी टॉपिक पे एक मीटिंग, और मनोज जी ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आई वेलकम मनोज जी, आई वेलकम ऑल द पैनलिस्ट, ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड रिक्वेस्ट मनोज जी टू स्टार्ट द टुडे टॉपिक। थैंक यू राकेश जी फॉर द नाइस वर्ड, लेकिन अब डांस एक्सपर्ट कोई नहीं होता, वी आर ऑल स्टूडेंट्स एंड लर्निंग डे टू डे। समुद्र में जो बूंद होती है ना उससे भी कम है हम लोग। जी जी। और वेस्ट दिल्ली में तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे हम कितने ही कर ले, लेकिन प्रमोद जी और बलदेव जी ने काफी अच्छे से हम लोगों को समझा रखा है। बिल्कुल, तो मेरा तो जो होगा सब रिफ्रेशिंग होगा, सब न्यू पॉइंट्स में कम, बट प्रमोद जी ने हम सबको काफी अच्छे से और बलदेव जी ने समझा रखा है चीजों को। So with this, thanks to Rakesh ji, Parveen ji, Mahinder ji, Rishi ji and all to provide me an opportunity to have discussions. West Delhi हमारा घर है, यहाँ पे हमने काफी कुछ सीखा है, तो यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई लेक्चर डिलीवर करने आए हैं, तो इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द नॉलेज। ठीक है सर, तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड देन वी स्टार्ट द थिंग्स। ओके सर, हाँ।
तो सर आज हम कवर क्या क्या करेंगे? हम कवर करेंगे लेटेस्ट अमेंडमेंट को, इंटरप्ले बिटवीन सेक्शन 44 AB, AD, ADA, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस 3CD, असेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्म 3CD, इंपॉर्टेंस ऑफ 3CA, 3CB इंटरप्ले विद फॉर्म 3CD एंड MRL, क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस विद केस लॉ, common errors in tax audit report, disclaimer in tax audit report and disclosures in ICDS. ये हमारा मोटा मोटा perspective होगा. Sir, just hold on. Tax audit का जो concept आया था वो 1984 में आया था. उससे पहले भी all law के सारे कैसे scrutiny में आते थे. Then the government thought, then the society thought, and thought to give the responsibility to have faith in the chartered accountants ki wo hame sari information in the form of 3CD and tax audit report provide karenge aur us information ke base pe hum is return ko process karenge. But somehow unfortunately that confidence has set, okay, nahi confidence wo hil chuka hai, unko desired information nahi mil rahi jo wo chahte the, nil anne ki report zyada hoti hai. तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं कि पहले 1 करोड़ लिमिट हुई, 5 करोड़ हुई, फिर 10 करोड़ हो गई, तो लिमिट दिन पर दिन घटती जा रही है. दूसरा, प्रमोद जी ऐसे बार बार हम लोगों को समझाते हैं, तो मेरा भी ये व्यू है कि हम प्रोफेशनलों को भी डेट एक्सटेंशन के लिए ही नहीं जाना चाहिए. हम जब जितनी डेट एक्सटेंशन मांगते हैं उतना ही हमारे कॉन्फिडेंस मिनिस्ट्री में हमारे प्रति कम होता चला जाता है कि हम टाइमली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. और फिर अननेसेसरी अनसोशल लैंग्वेज का यूज होना ट्विटर पे या दूसरे मीडिया पे, वो और भी हमारे को प्रभावित करता है. हमें समझना होगा कि टैक्स ऑडिट पूरे वर्ल्ड के अंदर एक या दो कंट्री में है, सब जगह नहीं है. इट्स ए गिफ्ट जो गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट आवर राइट, हमारा कोई अधिकार नहीं है. तो इन चीजों को हम समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट विल गुड फॉर अस. अगर हम कोई रिपोर्टिंग गलत करते हैं या प्रॉपर नहीं दे पाते तो देखिए सेक्शन 271J जो प्रोवाइड करता है कि 10,000 रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेनल्टी इम्पोज की जाएगी. ये अमाउंट दिखने में तो लगता बड़ा आसान है, बड़ा छोटा सा 10,000 रुपए, तो यार मैं दे दूंगा क्या दिक्कत है. लेकिन सर कंसिक्वेंसेज क्या है, यदि इंस्टीट्यूट में मैटर पहुंच गया तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो हमें फेस करनी पड़ेगी. सो वी शुड बी अवेयर. खासतौर से आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि दो तरह की गलतियां ज्यादा आ रही हैं. एक तो हम GST की लेट फी को या इंटरेस्ट को TDS से प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए प्रॉपरली, अदरवाइज 271J की पेनल्टी लग सकती है. खासतौर से टैक्स ऑडिट के अंदर TDS रिटर्न फाइल करी या TDS पे जो इंटरेस्ट इम्पोज हुआ, लेट फाइलिंग फी सी आई, वो सब हमें प्रॉपरली रिपोर्ट करना चाहिए. ये डिस्क्वालिफिकेशन इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, और हम सबको इस बार ध्यान रखना है कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करें तो 31/3/2020 तक की जितनी हमारी ऑडिट फी पेंडिंग है वो सब क्लियर होनी चाहिए. यदि हमने बिना ऑडिट फी के उसका बैलेंस शीट साइन कर दी तो वी कैन बी सब्जेक्टेड टू डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द इंस्टीट्यूट. ये क्या कहता है, एन ऑडिटर कैन नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एन SSC इफ देयर इज एनी ऑडिट फी पेंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग. This is due to the reason that in spite of pending audit fee, the auditors used to sign the audit report. In such a case, the auditors would be treated as a related party of the SSC under section 511, which will instigate disciplinary actions on the CA as well as on the CA firm signing such balance sheet. So Rakesh ji, ये boon है और हम सबको take care करनी है कि हम लोग में से कोई balance sheet sign नहीं करेगा जब तुम्हारी पॉलिसी फीस के लिए नहीं होगी. सभी क्लाइंटों को हम ये भेज सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सबको भेज दिया है, ये ऑलरेडी वी शुड सेंड. अच्छा, अब आपसे मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं, लेट अस हैव अ डिस्कशन सो दैट ये मोनोटाइप ना हो. इनकम टैक्स में क्या ऑडिटर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है कि ऑडिटर कैन नॉट साइन ऑडिट रिपोर्ट इन इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस? चैट बॉक्स में हम जवाब दे सकते हैं अपना, इट्स ओपन फॉर ऑल. सर लुकिंग फॉर आंसर के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है, प्रमोद जी ने बताया हुआ है हमें, कुछ नया नहीं पूछ रहा हूं मैं.
कोई जवाब नहीं आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 288 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट थ्रू एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि कम हम ऑडिट और रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। अच्छा तो क्या क्या है, जो स्टैच्यूटर है नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इंटरव्यूटर टैच्यूटर नहीं हो सकते, आप कंपनी के लिए डेब्यूटर है 1,00,000 से ऊपर तो आप नहीं कर सकते, आपके पास 1,00,000 से ज्यादा के शेयर है तो आप नहीं कर सकते, आप पनिशमेंट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड है तो आप नहीं कर सकते, आपका कोई बिजनेस रिलेशन है तो आप नहीं कर सकते, और रिलेटिव है, रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत एक्सटेंसिव है जो सेक्शन 56 में दे रखी है, तो आप नहीं कर सकते, तो इनके हिसाब में आप टैक्स ऑडिटर नहीं हो सकते। ड्यू डेट क्या है, अभी ड्यू डेट जो हो चुकी है टैक्स ऑडिट की 15 जनवरी हो चुकी है, तो खाली 44 ए बी के टैक्स ऑडिट के लिए नहीं है, ये सेक्शन 10 10 ए 12 ए 32 ए बी 32 ए बी ए 35 डी 35 ई 44 डी ए 50 बी 80 आई ए 80 आई बी 80 जे जे ए 92 एफ 115 जे बी 115 जे सी 115 बी डब्ल्यू, इन सब में जो भी रिपोर्टें जा रही है सबके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है राकेश, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आप अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा, मैं चाहूंगा जो पैनल्स में है वो सब अनम्यूट रखें सो दैट एक इंटरेक्शन बना रहे। एक सी ए कितने ऑडिट कर सकता है, 60 ऑडिट कर सकता है एक सी ए, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो दे लीजिए व्यू कि 120 तक ऑडिट हो सकता है, बट जनरली 120 ऑडिट करने पर ICICI मेल टेक अ डिसीजन कि भाई आपने कैसे कर दिया, आप क्वालिटी कैसे दोगे इतने सारे ऑडिट करोगे, तो एक जनरली क्वेश्चन आता है, हालांकि काफी लोग क्लियर है, मैं समझता हूँ वेस्ट दिल्ली में तो सबको बता ही रखा है, बलदेव जी ने भी, प्रमोद जी ने भी, यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यूडीएन एक जनरेट होगा फाइनेंशियल्स का भी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का भी, लेकिन कंपनी केस के अंदर दो यूडीएन जनरेट होंगे, फाइनेंशियल का अलग होगा और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का अलग होगा। अभी कुछ रिसेंट अमेंडमेंट आई है जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो चुके हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक नोटिफिकेशन आया, हमें रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, असल में आज के डेट में जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है वो पहले फाइल होती है और एक महीने बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, तो सेक्शन 43 है कि आपने भी टैक्स बिफोर द डेट ऑफ होगा। अब प्रॉब्लम ये होगी जब मैंने टैक्स ऑडिट किया उस टाइम तो मैंने लिख दिया कि भाई इन्होंने जमा नहीं कराया है, लेकिन जब मैं रिटर्न फाइल करी एक महीने बाद तब तक मैंने वो जमा करा दिया, तो जो सीपीसी प्रोसेस करती थी उसमें एडिशन हो जाया करता था, तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए उस प्रॉब्लम को इन्होंने कहा है कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दीजिए बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 40R, आपने जमा करा दिया, आप वैसे तो फाइल कर सकते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आप कर सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। ठीक है राकेश जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? राकेश जी हाँ जी, हाँ परवीन जी, सर मैं ये कह रहा हूँ ये जो राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि 43 बी में बाद में जमा कराया उसने रिटर्न रिवाइज करो अपनी, तो सर टैक्स ऑडिट रिटर्न क्यों रिवाइज की जाए, सर टैक्स रिटर्न के अंदर ही कुछ ऐसा होना चाहिए ना। मनोज जी सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप कह रहे हैं कि टैक्स ऑडिट में अगर किसी ने 43 बी में टैक्स ऑडिट के बाद जमा कराया है, आपकी आवाज कट रही है सर, सर टैक्स ऑडिट में जैसे मान लो किसी ने 43 बी में ऑडिट रिपोर्ट के बाद पैसा जमा कराया है, कोई भी टैक्स ड्यूटी कोई भी था जो हमारी ऑडिट के बाद उसने जमा कराया है, बट बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग से पहले जमा करा दिया रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो सर वो रिटर्न हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज क्यों करें, हम जैसे उन्होंने ऑप्शन दे दिया ना, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो सीपीसी एडिशन कर देगी, आपकी जो रिटर्न प्रोसेस करेगी तो उसमें एडिशन कर देगी वो, तो रिटर्न के अंदर ही कोई कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि अपना तो काम बढ़ गया ना, रिवाइज करने नहीं सर होना चाहिए लेकिन है नहीं है टुडे, अभी है नहीं जी जी ठीक है, तो अभी उन्होंने प्रोसेस दिया है,
वो ये चीज हमसे चाहते हैं, एसोसिएशन नहीं चाहते जी जी, इसलिए सर आप डबल फीस चार्ज करो ना मनोज जी। डबल फीस कौन देगा? यूडीन में नया क्रेडिट होगा सर, अब डिवाइस में नया क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ जी, यूडीन नया क्रेडिट करना पड़ेगा सर। और सर एक बात और बताओ, ये सिर्फ 40 और 43B के लिए है, उसके अलावा कोई मिस्टेक हो जाए? सर अगर कोई अपारेंट मिस्टेक हो जाती है फैक्ट्स की, तो मेरी एडवाइज ये रिवाइज आप करना चाहिए आपको, क्योंकि फैक्चुअल एरर पे रिवीजन यू शुड डू। मैंने पास में रिवीजन किया, उसका बेनिफिट ही मुझे मिला है। ठीक बात, ठीक है सर। अब हम चलते हैं जो क्लोज एटी में चेंजेस आया है। एज वी ऑल आर अवेयर कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेट, टैक्स रेट अंडर द स्टैट्यू। एक तो जो फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड करता है, और एक जो स्पेशल रेट है थ्रू द सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB, 115BAC, 115BAD। 115BA अप्लीकेबल 16-17 में यदि किसी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हो। 115BAA डोमेस्टिक कंपनी पर अप्लाई होता है 22%। 115BAB जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद जिन कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हो, ये पिछले साल आ गए थे, अप्लीकेबल हो गए थे। इस साल से दो नए सेक्शन अप्लीकेबल है, 115BAC जो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आया है, और 115BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आया है। ये सेक्शन ये कहते हैं कि यदि आप इन एक्ट में आओगे, इन सेक्शनों को ऑप्ट करोगे, तो आपको जो चैप्टर 6 के डिडक्शन हैं या कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं या 10-10 के डिडक्शन हैं वो नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यदि इन को ऑप्ट करना है, तो आपको 10 ID फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 115BAC केस में, और 10 IE फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 115BAD केस में। ये दोनों ही फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 5 IR से पहले होने चाहिए, यानी पहले आप ये फॉर्म फाइल करोगे फिर आप ITR फाइल करोगे। ठीक है, ठीक है। यहां तक सर बता देना, डिस्कशन में थोड़ा सा अच्छा रहता है सर। जी 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 सर। अब फर्दर एक सेक्शन क्लोज 17 है, एक्चुअली 43CA and 56(2)(10) ये उस सिचुएशन से डील करते हैं जब मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में डिफरेंस है। तो 10% का मैं हार्बर वो मिलता था, सेफ हार्बर रूल, मतलब हार्बर बेनिफिट, सेफ हार्बर रूल का बेनिफिट मिलता था। यदि 10% का वेरिएशन है तो जिस रेट पर आपने बेचा वही रेट हम मानेंगे, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाले रेट नहीं लगाएंगे। ठीक है सर। अब लेकिन गवर्नमेंट ने फर्दर से बेनिफिट दिया, बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड आया, मार्केट भी डाउन हो गई, तो उन्होंने कहा 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में जब कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको 20% का बेनिफिट देंगे, 10% की जगह डिफरेंस का। कंडीशन क्या आती, ये सेल होनी चाहिए 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में, एंड इसका बेनिफिट होगा ओरिजिनल अलॉटमेंट में, और सेल कंसेशन 2 करोड़ तक का है। यानी कि यदि सेल कंसेशन 2 करोड़ से ऊपर का है, और यदि पार्टियों में ट्रांसफर है जो कि ओरिजिनल अलॉटमेंट नहीं है, तो यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये एक रिपोर्टिंग है जो हमें करनी है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा, रिपोर्टिंग पार्ट है उनकी। अब एक फर्दर अमेंडमेंट आई कि जी आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। नीचे जब आप प्रॉफिट कंप्यूट करोगे तो आपको कुछ लॉसी, कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगी, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या नहीं मिलेंगे, वो ये था कि 115BAC के जब प्रॉफिट कंप्यूट करोगे तो हाउ विल बी कंप्यूटेड, आपको 10-13A, 10-5, 10-14, 10-17, 10-32, 10AA, 16, 24B, 32AD, 33AB, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 33ABA, इन सबके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, 35AD, 35CCC, 56(7)(2), तो ये सब बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, और कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं मिलेगा इन रिलेशन टू दिस डिडक्शन। यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस नॉर्मल आपको मिलेगा, लेकिन इन कारणों से कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह एडिशनल डेप्रिसिएशन यदि अनऑब्जर्व्ड आपको कैरी फॉरवर्ड है तो आपको नहीं मिलेगा। इनकम हाउस प्रॉपर्टी को किसी और एड से आप सेटअप नहीं कर पाओगे। अब आपको ये रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उन्होंने एक सेक्शन सबसेक्शन 3 लेके आए, उसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, और उसको आप एडबैक करोगे WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए रूल 5 लेके आए। रूल 5 में उन्होंने ये लिखा कि जो आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, आप उसको जो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है 1 अप्रैल 2020 का, उसमें ऐड कर दोगे। ये चीज खास समझ लो, कंफ्यूजन आता है लोगों को।
अभी हमने सीखा कि जब प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो मैं 115 बीएससी बीडी के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, जो कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन है वो मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं उन्हें हटा दूंगा। कैरी फॉरवर्ड लॉस इन रिलेशन टू दैट स्पेसिफाइड डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा, मैं उन्हें क्लेम नहीं करूंगा। डेप्रिसिएशन एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं क्लेम करूंगा। लेकिन यदि कोई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो वो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मैं एड बैक कर दूंगा अपने रिटर्न ऑन वैल्यू में 1 अप्रैल 2020 की, ठीक है, यही मुझे रिपोर्ट करना है। तो इस समय एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो मेरा लॉस है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ 9 लाख का, उस टाइम मैंने डोनेशन थी 1 लाख की वो मैंने डेबिट कर दी तो मेरा 8 लाख का लॉस आया। 35 में डिडक्शन क्लेम कर ली तो अल्टीमेटली मेरा लॉस 9 लाख का आया। तो 2021 में मैं कैरी फॉरवर्ड क्या करूँगा, 2021 में मैं बीएससी को ऑप्ट कर रहा हूँ या बीएडी को ऑप्ट कर रहा हूँ, स्पेशल रीजन को ऑप्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 8 लाख कैरी फॉरवर्ड करूँगा, 1 लाख को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा लॉस को, क्योंकि 8 लाख उस डिडक्शन से इन्वॉल्व करता है, पर्टेन करता है, जो मुझे आगे नहीं मिलेगी, जो मना हो गई है इस सेक्शन के अंदर। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। प्रवीण जी, राकेश जी, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई डाउट नहीं है, ये बहुत क्लियर है। सिमिलरली जब 1 अप्रैल 2020 को यदि रिटर्न ऑन वैल्यू 250 करोड़ है और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है तो मेरी जो रिटर्न ऑन वैल्यू 350 करोड़ हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात है ये बेनिफिट ऑफ एडजस्टमेंट फर्स्ट ईयर में मिलेगा। मान लो आप इस साल ऑप्ट नहीं करते 2021 के अंदर 115 बीएससी को, आप 4 साल बाद ऑप्ट करते हैं तो फिर ये जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो 100 करोड़ की आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लैंग्वेज रूल की वो कहती है अगर आप 2021 में ऑप्ट करते हो तो ये बेनिफिट है। सिमिलरली गुडविल के अंदर भी अमेंडमेंट आए, जो गुडविल को ब्लॉक ऑफ एसेट से रिमूव कर दिया गया। गवर्नमेंट का कहना था कि गुडविल आप परचेज करते नहीं हो, ये सब आप अननेसेसरी डेप्रिसिएशन क्लेम करके लाख करोड़ रुपए का वो बचा रहे हो टैक्स, तो उसमें जो इम्पैक्ट आया उसको मैं 3 भागों में समझाने की कोशिश किया, 3 एग्जाम्पल लिए मैंने केस स्टडी को कि गुडविल की रेशियो में क्या रिपोर्ट करना है। मांग क्या, एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये मुझे रिपोर्ट करना है एक्टिविटी बी के अंदर कि भाई गुडविल की क्या एडजस्टमेंट हुई इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक के अंदर। ठीक है सर, पहले केस स्टडी में मेरे पास अब गुडविल है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जो 1000 रुपीज की है, दूसरे केस स्टडी में मेरे पास 31/3/2020 को 1000 रुपए की गुडविल है और सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसमें 800 रुपए की गुडविल है, 200 रुपए की अदर इंटेंजिबल एसेट्स है और मैंने 2021 में 100 रुपए की और खरीद ली। थर्ड केस स्टडी में मैं 31/3/2019 से बात करूंगा कि 31/3/2019 को मेरे पास 1000 रुपए की इंटेंजिबल एसेट्स है जिसमें 800 रुपए की गुडविल है और 200 रुपए की इंटेंजिबल एसेट्स है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 19-20 मैंने क्या किया, मैंने 900 रुपए की गुडविल इंटेंजिबल एसेट बेच दी, एक इंटेंजिबल एसेट थी तो मैंने 900 रुपए की बेच दी और मैंने एक और इंटेंजिबल एसेट एक्वायर की 200 रुपए की 19-20 में और एक 200 रुपए की 2021 में एक्वायर कर ली। तो मैं पहले 19-20 में क्या कैलकुलेशन करूंगा उसको मैं समझता हूँ। जैसे कि मैंने को बताया कि मेरी 19-20 के अंदर जो ओपनिंग WDV है वो 1000 रुपए का है जिसमें 800 रुपए की मेरी गुडविल है और 200 रुपए की मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है। 19-20 के अंदर मैं 200 रुपए की इंटेंजिबल एसेट्स और खरीद ली तो मेरी 1200 रुपए की हो गई सर इंटेंजिबल एसेट्स को ब्लॉक, मैंने 900 रुपए की इंटेंजिबल एसेट्स बेच दी तो मेरा ब्लॉक कितने का रह गया 300 रुपए का, 25% डेप्रिसिएशन 75 रुपए क्लेम कर लिया। तो 31/3/2020 यानी 1 अप्रैल 2020 को जो मेरी वैल्यू हुई 225 रुपए हो गई। अब मेरी ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2020 को 3 केसों में क्या है, पहले केस में 1000 रुपए है 1/4/2020 को, दूसरे केस में 1/4/2020 को 1500 रुपए, तीसरे केस में 225 रुपए। मैंने कोई परचेज की, फर्स्ट केस में मैंने कोई परचेज नहीं की, सेकंड केस में 100 रुपए की परचेज की, थर्ड केस में 200 रुपए की परचेज करी, मैंने कोई सेल नहीं की 2021 में। WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, अभी 1000 रुपए की डेप्रिसिएशन सर WDV है क्योंकि मेरे तो यहाँ कुछ सेल ही नहीं हुआ, 1000 का ही है, ये 1100 रुपए हो गया, ये 425 रुपए हो गया। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट मुझे करनी है तो मेरी 1000 थी 1000 की निकल गई, 0 रह गई, इस केस में 800 रुपए की गुडविल थी, 800 की निकल गई 200 की रह गई,
और 1100 में से 800 निकल गए, 300 रुपए लगे, 75 रुपए डेप्रिसिएशन, 225 बच गए। इसके अंदर 1 अप्रैल 2019 को जो मेरी गुडविल थी वो 800 रुपए की थी। 19-20 में मैंने 25% डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा 800 रुपए पे, बिल्कुल। तो 1 अप्रैल 2020 को कितनी वैल्यू मेरी WDV की? 600 रुपए। 425 में WDV है, 600 घट गए, 175 रुपए का नेगेटिव आ गया। ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। समझिए राकेश जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। यहाँ पर किसी को क्वेरी हो पूछ लो, क्योंकि ये जनरली लोगों को कंफ्यूजन देता है। ये भी तो कोई क्वेरी नहीं है सर किसी की। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं या तो कुछ भी नहीं समझा पा रहा हूँ या पूरा समझा पा रहा हूँ। नहीं, मतलब अच्छा समझा पा रहे हो सर, बिल्कुल समझा पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर जी। अच्छा, क्लोज 32 में सब रिपोर्टिंग में चेंज आया, जो हमने अभी आपको बताया है वही चीज है। कॉलम नंबर 5 में और 6 में सब जितने भी लॉसेज और अलाउंसेज जो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे वो हमें बताने हैं, और 6 में सब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड नहीं है वो हमें बताना है। अनुभव जोड़कर कुछ नहीं, रिपोर्टिंग में चेंज आया, कंसिक्वेंटल है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो चुका है, तो उसके लिए जो क्लॉज 36 को रिमूव कर दिया गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। GST अंगार फर्दर एक साल के लिए पोस्टपोन हो गए, तो हम थोड़ा रिलीफ में है अभी इस साल जी। अब हम देखते हैं 21-22 असेसमेंट ईयर में हमें इसको पढ़ना क्या क्या। अब हम जब टैक्स ऑडिट करेंगे तो टैक्स पढ़ेंगे कैसे, किन किन सेक्शंस को हम देखेंगे। हमारे लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है 44AB है, रूल 6G है, फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD एंड 271B, ये रेलेवेंट हमारे लिए लॉ है जो हमें पढ़ने होंगे। 44AB क्या कहता है सर, यहाँ पे जो ध्यान से हमें समझने की जरूरत है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इसके टर्न ओवर सेल्स ग्रॉस रिसीव 1 करोड़ से ज्यादा है, और यदि प्रोविजन पढ़ूंगा 10 करोड़ से ज्यादा, प्रोविजन क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कैरिंग ऑन बिजनेस है एवरी पर्सन जो 231 में दे रखा है, यानी किसी पर्सन को नहीं छोड़ा इन्होंने जी, हरेक को कवर किया है। तो जनरली एक क्वेश्चन आता है कि क्या चैरिटेबल ट्रस्ट यदि उनका कोई बिजनेस है और उसके 1 करोड़ से ऊपर टर्न ओवर है तो उनको भी क्या टैक्स कराना है या नहीं कराना, क्योंकि उनका प्रॉफिट मेकिंग पर्पज नहीं है। तो यहाँ पे जो कोर्ट के व्यू है, एक सर्कुलर भी है, आई हैव बीन टोल्ड, जो कहता है टैक्स ऑडिट कराना है, इट मींस इवन चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके बिजनेस के टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। और यदि आप प्रोफेशन कैरी आउट कर रही हैं और आपकी 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर है तो आपको भी प्रोफेशनल को टैक्स ऑडिट कराना है, ठीक है राकेश जी? ठीक है जी। और यदि आपका बिजनेस है 44AB, 44BB, 44BBB और यदि आप डीम प्रॉफिट जो सेक्शन में प्रज्यूम किया गया उसे कम डिक्लेयर करेंगे तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना। ये जनरली माइनिंग के उनके सेक्शन है जो हमारे रेलेवेंट बहुत कम है जी। और सिचुएशन है 44AD है प्रोफेशनल के लिए है, यदि आप 50% से कम प्रॉफिट दिखाते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है दैट इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा, ठीक है? तो आप 44AD में जा तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा यदि आपका 50% से कम है तो। और यदि आपका 44AD 4 में कवर है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आपने किसी पिछले साल के अंदर 44AD 1 में रिटर्न फाइल करी है तो अगले साल में भी जाते हो 44AD 1 में जाओ या फिर आप टैक्स ऑडिट कराओ। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, तो मैंने काफी केस स्टडी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी मेंबर्स के कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसको टेकअप करेंगे, ठीक है? 44AB प्रोविजन क्या कहता है कि पहले 5 करोड़ थी, इस साल 10 करोड़ हो गई है, यदि आपकी टोटल रिसीप्ट में से यदि 5% से ज्यादा की रिसीप्ट कैश में है, अच्छा टोटल पेमेंट चाहे वो कैश लोन की पेमेंट हो चाहे कैपिटल की पेमेंट हो किसी भी चीज की पेमेंट हो, 5% से ज्यादा पेमेंट कैश में है तो आपको टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ ही है, लेकिन 5% से कम है तो जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। और इन दोनों को इकट्ठा देखना है क्योंकि इनके बीच में और नहीं है, एंड है, बीच दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होंगी कि 5% से कम की कैश रिसिप्ट हो और 5% से कम की कैश रिसिप्ट हो, तो ये दोनों क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई होंगी तभी आपको 10 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। और यदि अकाउंट पे चेक नहीं है
तो हम उसे मानेंगे आपने कैश में पेमेंट की, हम उसे चेक पेमेंट नहीं मानेंगे। ये हमारे लिए बेनिफिट है, मीन्स हमें कहीं ना कहीं रिवर्ट बैक तो 1 करोड़ में ही आ जाते हैं। सही बात। मनोज जी। हाँ जी सर जी। एक क्वेरी थी भाई, हमारा मान लो एक एसएससी है, उसकी 1 करोड़ की मान लो 50 लाख की प्रोफेशनल शीट है, 49 लाख की। तो उसने वो 50% में दिखाना चाह रहा है, किंतु बैंक से एक भी पैसा विड्रॉ नहीं करा। बैंक अकाउंट में एक भी पैसा विड्रॉ नहीं करा पूरे साल में। सर उसी को मैंने टेकअप किया हुआ, भी लेंगे सर, वो इश्यू है आगे। अच्छा हमारा गाइडेंस नोट कहता है कि हमें एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करना है। कई जगह कंफ्यूजन है कि वो हमें ऑप्शन देता है एक्सक्लूसिव वर्सेस इंक्लूसिव मेथड का, टैक्स का वो हमें ऑप्शन नहीं देता। इन माय अंडरस्टैंडिंग वो एक्सक्लूसिव मेथड ही फॉलो करना कहता है, तो हम तो गाइडेंस नोट से बाइंड है। लेकिन सेक्शन 145A एंड ICDS का जो FAQ आया था क्वेश्चन 3, वो ये कहता है कि जी आपको इंक्लूसिव मेथड फॉलो करना है, ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये मुझे डिस्क्लोजर देने हैं अपनी ऑडिट के अंदर, और मुझे गाइडेंस नोट को फॉलो करते हुए हमें एक्सक्लूसिव मेथड को फॉलो करना है। दिक्कत कहाँ पे आएगी टैक्स ऑडिट के पैरामीटर से? 1 करोड़ की लिमिट है टैक्स ऑडिट की, हम सब जानते हैं। यदि मैं मार्जिन पर हूँ, मतलब 99 लाख की टर्नओवर है विदाउट टैक्स, और 1 करोड़ की ऊपर की लिमिट होती है विद टैक्स, तो मुझे क्या कॉल लेनी है हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करना है नहीं करना। मैं इस बारे में यहाँ क्वेश्चन ओपन छोड़ता हूँ टू डिसाइड द मेंबर्स, एडवाइजेबल है कर लो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गो बाय द स्टैट्यूट नॉट बाय द गाइडेंस नोट, लिटिगेटिव इश्यू हो जाएगा। अगर 4480 में जाना तो एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, ना कंपनी है ना एलएलपी है। एलिजिबल बिजनेस कौन सा? सारे बिजनेस एलिजिबल एक्सेप्ट हायरिंग एंड प्लाइंग व्हीकल्स का, कमीशन बिजनेस का, एजेंसी बिजनेस का, प्रोफेशन का, और टर्नओवर 2 करोड़ तक की होनी चाहिए, तभी आप 4480 में जा सकते हो। कुछ केस स्टडी लेके डिस्कस करते हैं। मैं FAQ सर प्रवीण जी थोड़ी मेरी हेल्प करना है, राकेश जी 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 चैट बॉक्स में देखते हैं लोग क्या जवाब देते हैं जी। सर हम ये मानते हैं सब फर्स्ट ईयर के बिजनेस हैं, अब राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, टर्नओवर उसकी कैश में है सारी 125 लाख की टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट 7 लाख है, टोटल इनकम 6 लाख है, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मैं 44AD ऑप्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? सर लुकिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम मेंबर्स जी जी फ्रेंड्स से, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। राकेश जी क्या रिप्लाई आ रहे हैं? सर अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया सर। सर हमें सबने प्रमोद जी ने खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हाँ जी ऑडिट होगा, ऑडिट होगा, रोहित जी कह रहे हैं होगा, करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट, करना पड़ेगा। सुदेश जी कह रहे हैं एनी अदर व्यू, यानी कि 2 लोग को क्लियर है ऑडिट होगा। बजरंग जी कह रहे हैं 3 भी हो गए, हमारे 40 मेंबर्स हैं। होगा सर होगा, चलो सर बिल्कुल टैक्स ऑडिट होगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन है कि टर्नओवर 85 लाख है ट्रेडिंग ऑपरेशन की, डॉक्टर भी हूं मैं, 40 लाख की मेरी प्रोफेशनल फी है, नेट प्रॉफिट 21 लाख है, टोटल इनकम 15 लाख है। अब आप मुझे ये बताएं मैं वो 44AD में जाऊंगा, ADA में जाऊंगा, टैक्स ऑडिट में जाऊंगा, क्या करूंगा? सेकेंड सिचुएशन है केस स्टडी में। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो 44AD में ओरोर है, यानी कि सारी जो कंडीशंस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, किसी को इकट्ठा नहीं पड़ना है, इंडिपेंडेंटली हमें देखना है पांचों कंडीशन को। अब कहते हैं मनोज जी होगा, क्या होगा सर ये तो बता दो, 44AD होगा, AD होगा, टैक्स ऑडिट होगा, क्या होगा? उम्मीद करता हूँ प्रमोद जी ने खूब हमें अच्छे से पढ़ाया हुआ है सर। चलिए मैं ही लेता हूँ क्योंकि स्लाइड 200 करीब स्लाइड है मेरी, तो टाइम भी हमें देखना है। सर इसमें टैक्स ऑडिट नहीं होगा,
मैं टर्नओवर 85 लाख करोड़ से कम है, नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख से है मेरा, तो मुझे जरूरत नहीं है। और जब मेरी प्रोफेशनल फी है मैं 44 एडीए में जाऊंगा, वो मेरा 50% से ज्यादा है। अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। हेलो, ऋषि जी ठीक है? ठीक है जी, वो 5% से ऊपर है। ठीक है सर, टैक्स ऑडिट नहीं होगा? टैक्स ऑडिट नहीं होगा। हाँ सिंपल, आप बिजनेस इनकम सिंपल दिखाओगे, प्रोफेशनल इनकम में 44 एडीए में जा सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है मन में किसी के? थर्ड कंडीशन है बताओ, 44 एडी में जाऊंगा या टैक्स ऑडिट करूंगा? सर बताइए फटाफट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सर। इसमें मैं नॉर्मल जाऊंगा ना तो टैक्स क्रेडिट होगा, और क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, मैंने पहले कभी ऑफ नहीं किया 44 एडीए, तो मैं एडी तो जरूरत नहीं है। चौथी कंडीशन है बताइए, टैक्स क्रेडिट होगा नहीं होगा? 44 एडी जाऊंगा क्या करूंगा? रोज जी कह रहे कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगा। 95 प्लस 1 एक से ऊपर हो गया। हाँ जी, तो उसमें 5% से कम है तो मतलब टैक्स होगा, इसका टैक्स ऑडिट होगा। बिल्कुल ऋषि सही कह रहे, 1 करोड़ से ऊपर में टर्नओवर है तो मेरा टैक्स ऑडिट होगा, और कमीशन इनकम में तो वैसे ही 44 एडी जा ही नहीं सकता मैं। ठीक है ना, थैंक यू ऋषि जी। अब एक केस स्टडी और लेते हैं। मेरी सेल है टोटल 4 करोड़ की, जिसमें से कैश सेल है 7 लाख की और नोट अकाउंट पे सेल है 6 लाख की। कैश लोन है 7.5 लाख का, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 25 लाख का। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है क्या होगा? 4 करोड़ सेल है और कुछ कैश सेल। मैं मेंबर से भी, फ्रेंड्स अपने सबसे, अपने दोस्ती हैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ, डरे मत, गलत सही जो देना जवाब दे चैट बॉक्स के अंदर। राकेश जी आप देखते रहे क्या चैट बॉक्स में लोग जवाब दे रहे हैं अपने दोस्त। जी मजे, सर ऐसा है ना, ऐसे एक्टिव माइंड बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो मजा नहीं आएगा सर। जी जी, क्या जवाब आ रहे बताते जाए राकेश जी। ऑडिट लिमिट 10 करोड़ सर, रोहित कुमार जी बोल रहे हैं। ऑडिट नहीं होगा इसका मतलब नहीं होगा जी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे जज करना 5% की लिमिट, वो ध्यान से जज कर लेना। More than 5% कैश रिसीट सर। More than 5% है, ठीक है सर। तो अब सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है? यह है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जी, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर लेके, वो प्रोप्राइटर लेके आ रहा है, अकाउंट होगा नहीं होगा, पहले ग्रॉस रिसीट में इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसका सर देखो, मैं खुद को तो पैसा दे नहीं सकता हूँ, तो कायदे से अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 2 व्यू है, कुछ एक कहते अकाउंट होना चाहिए, कुछ एक कहते नहीं अकाउंट होना चाहिए। यदि आप 25 लाख को अकाउंट नहीं करेंगे तो कैश कंट्रीब्यूशन 5% से ऊपर है, और आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन को अकाउंट करेंगे तो 5% से नीचे है कैश कंट्रीब्यूशन। उल्टा कह रहे हैं मैं वो सही कह रहा हूँ सर। परवीन जी आप अकाउंट करो, अगर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन अकाउंट नहीं करोगे तो टोटल रिसीट आपकी 4.07 है CR है। हाँ जी, टोटल रिसीट है 7, 6, 13, 13 और 7, 23, 21, 21.5 को डिवाइड करो 4.07 से तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा सर आपको। ज्यादा आ रहा है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, 20 से ज्यादा।
और यदि आप 25 लाख को इंक्लूड कर लोगे रिसीट में टोटल दोनों तरफ, तो आपका ये 5% से कम हो जाएगा। आप जो भी व्यू लेते हो आप उसे पेपर वर्किंग पेपर बना के रख लो, ठीक है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, दोनों तरफ के व्यू प्रोफेशनल्स के हैं। इवन प्रमोद जी का व्यू है कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होना चाहिए, बट दे अदर प्रोफेशनल, क्योंकि सेल्फ से आप खुद ना तो पैसे दे सकते हो ना खुद से पैसे ले सकते हो, ठीक है ऋषि जी प्रवीण जी। ओके अब मैं कुछ केस स्टडी पढ़ा, मैं खुद ही काउंट करूंगा, मैं क्वेश्चन से नहीं करूंगा, सो दैट हम टाइम को बचा सके। पहले केस में 90 लाख की टर्नओवर है, 5% का प्रॉफिट टर्नओवर, मेरा परसेंटेज है ग्रॉस टोटल इनकम 3.5 लाख है। एग्जम्पशन जो मैंने क्लेम किया 44AD में, पहले साल 2021 में क्लेम की थी, 2021 में, तो 21-22 में भी फिर मुझे ऑडिट क्लोज ई में करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर मैंने क्लेम किया था। 90 लाख की टर्नओवर है, 4% का प्रॉफिट है, 5 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है, मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो मैं को आगे भी फिर 44AD की जरूरत नहीं है। 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, 2% का प्रॉफिट है, 2 लाख की इनकम है, मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरी जो इनकम है नोट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, तो मुझे ऑडिट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है इसलिए मुझे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 95 लाख की टर्नओवर है, 3% प्रॉफिट है, मेरा 1.5 लाख का लॉस है, मैं नेक्स्ट 44AD ऑप्ट किया, लेकिन क्योंकि मेरा लॉस आ रहा है 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, तो मुझे फिर टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पिछले की टर्नओवर है 1% प्रॉफिट है, 3.5 लाख की टोटल इनकम है, लास्ट मैंने ऑप्ट किया था 44AD, तो साथ में मुझे फिर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, इन्हें 44AD में नहीं जाऊंगा। 1.95 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, 4% नेट प्रॉफिट है, टोटल इनकम 7 लाख की है, लास्ट टाइम क्लेम देखा साल मुझे लेना पड़ेगा, वैसे भी 1.95 मैं से कवर हो जाता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। अब ग्रोस रिसिप्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रा रिसिप्ट है, पार्टनर की कंट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन है, ग्रोस पेमेंट में ये चीज है, ये इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया कि आप खुद तो कैपिटल नहीं दे सकते, इसी तरह आप कॉन्ट्रा रिसिप्ट भी खुद से नहीं कर सकते, बैंक से कैश लेके आ रहे हो, कैश में बैंक जमा करा रहे हो, ये सब कॉन्ट्रा रिसिप्ट है, दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द, कि ना तो मैंने किससे पैसे लिए, पेमेंट लेने होते हैं, लेकिन दोनों को लोग होना जरूरी है, और यहाँ मैं अकेला हूँ तो कायदे से मैं इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बट आप जो भी व्यू ले उसे वन के पेपर रख लें। राकेश जी अपना ऑन रखें, सब लोग ऑन है सर, आप भी ऑन रखें, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंटरएक्टिव लगता है सर। बलदेव जी भी आ गए सर, वाह, अब तो बलदेव जी की गाइडेंस मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट वेलकम टू बलदेव जी, पहले तो सर गुरु का आशीर्वाद बने रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर अलग नहीं है, एक ही लोग हैं, तो एक भी यही बनता है कि पार्टनरशिप फर्म में भी यदि पार्टनर पैसे लेके आते हैं लेके जाते हैं तो ये भी अपने से पैसा लेना और देना है, ये काउंट नहीं होना। बट जो भी आप व्यू ले, मेरा मानना यह उसे वर्किंग पेपर मेंटेन रखें और उसे आप से अपना अप्रोच बनाए। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो ले ले सर, क्वेश्चन सर में क्वेश्चन आया हुआ है देख ले राकेश जी क्या है, टैक्स ऑडिटर जनरल ने जवाब दिया हुआ है। कैश पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, चाहे आपने कैश परचेज की हो, क्रेडिटर को पेमेंट की हो, लोन लिया हो, एडवांस दिया हो सप्लायर को, फिक्स्ड एसेट के लिए पेमेंट की हो, रिइंबर्समेंट हो, इनपुट टैक्स पे किया हो कैश में, पार्टनर ने विड्रॉ किया हो, ये अपना ऑप्शन है, लेबर चार्जिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, तो ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे कैश रिसीप्ट छूट गई थी, कैश सेल है, डेटर से पैसा आया, लोन एंड बोरोइंग्स है और एडवांस आया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स कोई बेची उससे पैसा आया, रिइंबर्समेंट कोई आया, तो ये सब आप काउंट कर सकते हो, यू कैन टेक योर कॉल्स। अब हम सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग का, यहाँ तक किसी को क्वेरी हो तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। मनोज जी, हाँ जी सर, एक चीज बताएं, अगर मान लो किसी ने हमारे अकाउंट में कैश जमा कर दिया है, वो भी क्वेश्चन में ले लिया, अभी आगे है वो, ठीक है जी, ठीक है सर। अब सेकेंड इश्यू आता है फॉर्म 3CA और 3CB की रिपोर्टिंग का। 3CA में 3 पैरा है और पहला 3 में ऑब्जर्वेशन है इन रिलेशन टू टैक्स ऑडिट, 3CB में 5 पैरा है,
3CB में अलग से कोई ऑडिट नहीं होता, जो फाइनेंशियल का ऑडिट करता है वही टैक्स ऑडिट करता है। तो इसके पैरा 3 के अंदर हमें फाइनेंशियल के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है, और पैरा 5 में हमें 3CD के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है। पैरा 3, आई रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कमेंट्स एंड डिस्क्रिपेंसी इनकंसिस्टेंसी इफ एनी सब्जेक्ट टू द बोर्ड मींस इन रिलेशन टू बैलेंस शीट पे एंड अकाउंट। पैरा 5 3CD में जो है उससे रिलेशन में ऑब्जर्वेशन आती है। अब हम ये देखते हैं हमें 3CA कहाँ चाहिए, 3CB कहाँ चाहिए। लेट अस मीट इट इंटरेटिव। कंपनी 20 जनवरी 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई, 15 करोड़ की टर्नओवर है। आप ये बताएं मुझे, मेरे को इसमें फॉर्म 3CA जाएगा 3CB जाएगा? 3CB सर। 3CB जाएगा। परवीन जी का व्यू है और किस चीज का क्या व्यू है देखिए चैट बॉक्स के अंदर। 3CB जाएगा। 3CB जी बिल्कुल परफेक्ट, 3CB जाएगा। ये कंपनी एक्ट के अंदर 15 महीने की बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड है, तो वहां पे कोई ऑडिट होगा नहीं इस साल, तो फिर हमारा 3CB जाएगा। हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट ईयर में टर्न ओवर हो गई पिछले साल की 75 करोड़ रुपए। 3CB 3CA 3CB सर। 3CB व्यू है और क्या व्यू है सर? 3CB सर। 3CB वेरी गुड, 3CB जाएगा, क्योंकि अगले साल जो कंपनी का ऑडिट होगा 15 महीने का होगा और यहाँ पे 3 महीने का होगा, 3CB ही जाएगा। अब यदि कंपनी 30 नवंबर 2020 को डिजॉल्व हो जाती है और टर्न ओवर 18 करोड़ है तो 3CA 3CB जिसके टर्न ओवर 20 लाख है 3CB या 3CA? 3CB जाएगा। हाँ, जो 40 लाख से ऊपर होती तो 3CA का ऑडिट होता है। अब हम 3CB के, अब हमें दो वर्ड याद रखना, 3CB का पैरा 3, 3CB का पैरा 3 हमारी फाइनेंशियल से रिलेटेड हमारी कमेंट्स मांगता है, जो जनरली हम लोगों में से आदि कोई रिपोर्ट करता है। हमें से कितने लोग रिपोर्ट करते हैं 3CB के पैरा 3 के अंदर? हम करते हैं सर। परवीन जी करते हैं, गुड। और कौन कौन करता है 3CB के पैरा 3 में? अकाउंट के ऊपर रिपोर्टिंग है, टैक्स ऑडिट के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं है, और उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि एसएससी की रिस्पांसिबिलिटी क्या है और टैक्स ऑडिट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। तो ये दो कॉलम जो है ये है एसएससी की रिस्पांसिबिलिटी। एसएससी रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा टू सेव द टाइम, ये आपके लिए अवेलेबल है। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। तो ये सारे जो है, अभी टैक्स ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are whole, as a whole, are free from material misstatements. As a part of an audit in accordance with standard of auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We identify and assess the risks of material misstatements of the financial statements. Obtain an understanding of the internal control relevant to the audit in order. Evaluate the appropriateness of the accounting policies. Conclude on the appropriateness of the management shows of ongoing concern. तो ये सब हमेशा रिपोर्ट करने होते हैं पैरा 3 के अंदर। मेरे ख्याल से हमेशा बहुत कम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। आप कर रहे हो राकेश जी? नहीं सर, मैं नहीं कर रहा। ऋषि जी, anybody, any member, any of our friend कोई रिपोर्ट करता है इन चीजों को? हम भी सर बहुत कम रिपोर्ट करते हैं सर। नहीं, इसकी तो रिपोर्टिंग होती है सर। होती है रिपोर्टिंग। वेरी गुड। तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रमोद जी ने, बलदेव जी ने कुछ अच्छे समझा रखा हमें रिपोर्टिंग के बारे में, तो वी शुड रिपोर्ट दिस। अब हम आते हैं, और ये शायद हमारे, हमें रिपोर्ट करने हैं। अब हम आते हैं हमें फॉर्म 3CD पे हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी और एसएससी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। अभी हमने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हम बात कर रहे हैं फॉर्म 3CD की, ठीक है राकेश जी? जी जी। फॉर्म 3CD में एसएससी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? एसएससी इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड।
अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी आर रिस्पॉन्सिबल वेरीफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44 ए बी। अच्छा, अब ये हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये 3CA के पैरा 3 में जाएगा और 3CB के पैरा 5 में जाएगा, क्योंकि 3CA का पैरा 3 डील करता है 3CD की रिपोर्टिंग से और 3CB का पैरा 5 डील करता है 3CD की रिपोर्टिंग से। ठीक है राकेश जी? जी जी बिल्कुल सर। अब जब हम 3C का 3CD बनाएंगे 3CD भरेंगे, पहले 3CD हम नहीं भरते, असेसी भरता है। हमारे को क्या बातें ध्यान रखनी है? पेपर असेसी हो सकता है किसी रिपोर्टिंग के टाइम में किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर रिलाई करें या किसी इशू के ऊपर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स हो। जैसे मान लो आपको सबको याद है 40AIA के ऊपर कंफ्लिक्ट था डिसीजन का, क्योंकि वहां पहले पड़ता पेड, तो पेड पे एप्लीकेबल है या पेपर पे भी एप्लीकेबल है, डिफरेंट कोर्ट के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थे। तो ऐसे में यदि एसएससी किसी पर्टिकुलर इशू पर रिलाई करता है तो हमें क्या करना है, 3CA के पैरा 3 में और 3CB के पैरा 5 में हमें पहले फैक्ट्स लिखना है, फिर हमें लिखना है कि एसएससी ने इसके ऊपर रिलाई किया है और इस डिसीजन पर रिलाई नहीं किया और इस रिलाई को करते हुए ये पर्टिकुलर रिपोर्टिंग नहीं करी है। देन वी डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको याद होगा इसके अंदर एक मेंबर्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो गया था, उसने पर्टिकुलर रिपोर्टिंग नहीं की थी। इश्यूड कहता है कि वो रिपोर्टिंग नहीं करना, वहां पे असेसी ना करे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम 3CA के पैरा 3 में और 3CB के पैरा 5 में हम इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है राकेश जी? जी जी। और हमें क्या बातें याद रखनी है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है 3CD हम चेक करेंगे, हम देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट को, रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंट को, इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन में दिए गए। यदि कोई चीज एक से दो जगह पे आती है तो बस रेफर करना है, जैसे डेप्रिसिएशन का है वो क्लोज 18 में भी आता है और जंप 13 में भी आता है, 13 18 दोनों जगह रिपोर्ट होता है। और यदि कोई डिफरेंस है टैक्स ऑडिटर की ओपिनियन में और एसएससी की ओपिनियन में तो वो भी हमें 3CA के पैरा 3 और 3CB के पैरा 5 में फैक्ट लिख के लिख देना चाहिए कि ये एसएससी की ओपिनियन है या हमारी ओपिनियन है। और यदि कोई पर्टिकुलर अप्लीकेबल नहीं है तो हमें लिखना चाहिए सेम इज नॉट अप्लीकेबल। आप किसी मैटर पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप उसे क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग 3CA 3CB 3CD। और ये हमारे क्वाब ये क्या व्हाट आर 3CD अप टू कीप इन माइंड। और हमें क्या क्या बातें रिपोर्ट करनी है कि कोई एएस फॉलो नहीं हुआ, यदि हमने इनकम टैक्स का प्रोविजन नहीं कर रखा, यदि एम्प्लॉय वैल्यू नहीं कर रखा बुक्स के अंदर, यदि बैलेंस शीट कंफर्मेशन नहीं है, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन एक बार एएस नहीं है, ठीक है, यदि टीडीएस नहीं कटा है, तो ये सब चीजें हमें अपने 3CA के 3 और 3CA के 5 में रिपोर्ट करनी चाहिए। अब हम क्लोज बाय क्लोज चलते हैं। मैं सारे क्लोज नहीं ले रहा हूँ, कुछ क्लोज है जो बड़े रेलिवेंट है जो हमें डिस्कस करने चाहिए। इनको लेने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि किसी का कोई इश्यू हो यहाँ तक तो हम ले लेते, क्वेरी हो यहाँ तक कुछ है कोई इशू सर? नहीं सर कोई नहीं आया जी अभी। चलो गुड। अब क्लोज 8 जो है वो कहता है ऑप्शन ए बी सी डी 4-5 ऑप्शन देता है, किस ऑप्शन के अंदर टैक्स ऑडिट कर रहे हो। हमारे 5 ऑप्शन है सर, ए बी 44 ए बी के ए बी सी डी, और उसमें एक और है थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 44 ए बी। हम जनरली गलती क्या करते हैं, जैसे में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो मैं 44 ए बी में कवर, कंपनी केस के अंदर मेरे 1 करोड़ से ऊपर है तो मैं ए को कवर करता हूँ, मेरे टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन मैं उसमें कवर नहीं हुआ सर, मैं थर्ड प्रोविजन सेक्शन 44 ए बी जो कहता है कि किसी को अकाउंट में ऑडिट हो रहा हो तो यहाँ आपको टैक्स ऑडिट की रिपोर्टिंग करनी है। तो जनरली हम थर्ड प्रोविजन को सिलेक्ट नहीं करते, कायदे से हमें थर्ड प्रोविजन को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके साथ हम 44 ए बी के ए में कवर है या सी में, क्योंकि ए या सी आएगा कंपनी केस में, हमें 2 क्लोज रिपोर्ट करने चाहिए जो जनरली मेरे ख्याल से हम लोग में से कहीं मिस कर रहे होंगे, ये ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट की भी है। तो प्रवीण जी हम लोग कर रहे हैं चीज को जनरली है, ऋषि जी क्या जी हम लोग कर रहे हैं थर्ड प्रोविजन को, थर्ड प्रोविजन में कर रहे हैं सर। हां जी वेरी गुड सर।
यस, ये हमें प्रमोद जी ने अच्छे समझा रखा है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरे स्टडी सर्कल में मुझे कमी मिली कि जनरली लोग फॉलोअप नहीं कर रहे थे, वहां प्रमोद जी नहीं थे ना। क्लोज नंबर टू, एड्रेस लिस्ट ऑफ बुक्स अकाउंट मेंटेन एड्रेस एड्रेस बुक्स अकाउंट और कैप्ट। ये बड़ा इनोसेंट सा क्लोज अपीयर होता है, या एड्रेस ही तो लिखना है, क्या इश्यू है, लिख देते हैं। वो बच्चे ही पढ़ते हैं तो हम चेक भी नहीं करते जनरली कई बार, ठीक है ना आगे जी। बच्चे अपने लड़के लाते हैं, हमको भी ध्यान देते हैं कि पैन नंबर में क्या एड्रेस है एसएससी का और यहाँ क्या एड्रेस लिखा हुआ है, नहीं ध्यान देते हैं जी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पर वो ही दिक्कत है। और कई बार तो हम अपना क्लाइंट इतना प्यारा होता है, हम अपने एड्रेस दे देते हैं, कहाँ कहीं जाता है, जबकि हम ये नहीं जानता, हम इंटरेस्टेड पार्टी होगा, हम ऑडिट भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हमने अपना ऑफिस का एड्रेस दे दिया, इट बिकम इंटरेस्टेड पार्टी। ऑफिस का एड्रेस तो कभी नहीं दिया हैं, ऑफिस का एड्रेस तो कभी नहीं दिया सर। हाँ, अगर हम दे दे, अब इसे कंसिक्वेंसेस क्या है, यदि सर्वे होगा, मोमेंट आपने अपना एड्रेस दे दिया तो आपका भी एक्सटेंडेड प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाता है एसएससी का, और सर्वे आपके यहाँ भी हो सकता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ, कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और जीएसटी के में ऑडिट जो है वो हरियाणा का है कहीं का, हाँ, जो नॉर्मल बुक्स है वो तो लिखी जा रही है दिल्ली में और बिल इशू हो रहे हैं हरियाणा से, बिल हरियाणा से इशू हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां की रिकॉर्डिंग वहां हो रही है और यहाँ की रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, हाँ, तो क्या करते हैं, दो एड्रेस में चाहिए नहीं था, आप दोनों जगह लिखो, मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ मेंटेन हो रहा है और बैंक अकाउंट एक ही है जो दिल्ली में मेंटेन हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप तीन जगह पे बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हो तीनों जगह रेफरेंस पे। दूसरा एक चीज और भी, कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं, कई बार हम रजिस्टर्ड ऑफिस में दूसरा होता है और बिजनेस का एड्रेस और जहाँ पे हम बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं दूसरा होता है, तो हमें आरओसी में ओसी फाइव में से इन्फॉर्म करना होता है। हमें से कितने लोग करते हैं, हम नहीं करते, वो किया ही नहीं है कभी, ध्यान ही नहीं दिया कभी, ध्यान ही नहीं दिया, ये बात किया है सर, हमने किया हुआ है सर, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सर, ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट है, हम जब रूटीन में भूल जाते हैं, हम सभी भूल जाते हैं, मैं ही भूल जाता हूँ सर। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, आज एक चीज और बड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें पैन नंबर जरूर चेक करना चाहिए जब हम यहाँ पे एड्रेस रिपोर्ट करें, और पैन में एड्रेस अपडेटेड है या नहीं ये देखना चाहिए, क्योंकि अब ये जजमेंट आने लगे हैं, यदि आपने पैन में एड्रेस अपडेट नहीं किया और पैन के एड्रेस पे नोटिस चला गया तो दैट विल बी डीम्ड टू बी सर्व, तो जस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग सर। इसमें एक चीज बताएं मनोज जी सर, मान लो किसी ने पैन अपने इंडिविजुअल घर के एड्रेस से लिया, रेजिडेंस एड्रेस से, और बिजनेस कर रहा है कमर्शियल जो उसके स्पेस है, तो फिर सर घर भी एक्सटेंडेड प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया नंबर एक है जी, घर एक्सटेंडेड प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, अच्छा जी, नंबर एक जी, नंबर दो नोटिस घर पे आ गया तो ड्यू टू बी सर्व माना जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है जी। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बेनिफिट है कि आप अपना पैन नंबर वहां पर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी और ओटीपी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप वहां वहीं पर ही जाके आप अपना चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी, आप अपडेट कर सकते हो, दो दिन में अपडेट हो जाता है, दो मिनट में अपडेट हो जाएगा। थैंक यू ऋषि जी। अब ये नाइन है, ये बड़ा इनोसेंट सा प्लेयर होता है, हम लोगों को इनोसेंट कैसा प्लेयर होता है यार, क्या करना है, पार्टनर की लिस्ट चला आशा जी देखिए, कॉपी पेस्ट कर दो, कोई चेंज हो गया डाल दो, रेशो डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, क्यों राकेश जी, जी जी कभी हम ध्यान से सोचते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सेक्शन 184 क्या कहता है, यदि कोई चेंज हुआ और हमने उसे डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, उसकी डेट अपडेट नहीं करी, तो फिर आपकी जो टर्न है वो फर्म में जो पार्टनर्स का रेवेन्यू वगैरह अलाउ नहीं होगा, 184 185 पे ले जाता है, 185 187 पे ले जाता है, सक्सेशन ऑफ फर्म का इशू आ जाता है। तो जहां भी रेशियो चेंज है आप ये सोचते हो आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो, तो सेक्शन कौन कौन से ध्यान रखने, 184 185 187 अब सेक्शन 9 में 45(4) भी ध्यान रखना, हाँ जी हाँ जी, ये भी आगे नहीं अब ये भी आगे तो ये देखो एक सिंपल सा चेंज कितना बड़ा था, कहाँ कहाँ तक इसकी रिपोर्टिंग का कंसिक्वेंस है,
और ये क्या क्या दे सकता है एज ए लिटिगेशन, हमने इन चीजों का कॉन्सिक्वेंसेस देखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप उस एंगल से देखो ये क्या सोचेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, ये भी एक इनोसेंस अपीयर होता है ना राकेश जी, कॉपी पेस्ट होता है ना परवीन जी, कभी आपने हाँ, अब यहाँ पे एक तो हमें जितने बिजनेस है सब लेने चाहिए, उसको कोड देने चाहिए, हम लोग अगर कोड स्पेसिफाई नहीं करते, दूसरा आपको याद होगा यदि आपकी कंपनी है, कंपनी 10 रुपए का भी शेयर अगर आप शेयर में डील कर लेते हो तो स्पेकुलेशन बिजनेस हो जाता है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 में, तो उसका अलग से पीएनएल अलग से बैलेंस शीट बनती है, सेक्शन 28 एक्सप्लेनेशन टू, वो सेपरेट रिपोर्ट करने की जरूरत है। दूसरा एक क्लोज 41 है जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हो आपको प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट की रेशियो क्या है, अब बिजनेस से रेशियो का लिंक तो आप जानते हैं, अफसर करता है या असेसिंग ऑफिसर करता है, डिपार्टमेंट भी सर्कुलर देते हैं, आपको याद होगा ऋषि जी आप तो मुझसे बड़े हो कि पहले आते थे कि इस बिजनेस के अंदर 3% से कम प्रॉफिट दे रखा है तो स्कूटी में ले लो, 5% से कम दे रखा है तो स्कूटी में ले लो, ले लो हाँ, तो ये यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस से रेशियो लिंक नहीं हो गई सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस कारण के स्कूटी में नहीं आ सकता, आ सकता है, तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, whether books of books are prescribed under section 44AA, if yes, list of books of protect. सिर्फ professions के लिए books of prescribed है, बाकी के लिए नहीं है, लेकिन कई बार ये observations हुई है कि जो businessman के अंदर भी हम लिख देते हैं कि prescribed है books of protect. Businessman के लिए prescribed नहीं है, और सब medical professional के लिए कुछ extra books prescribed की नहीं, rule 6F के अंदर, कि भाई एक तो inventory बनानी है stock की, केस रजिस्टर मेंटेन करना है। 44AA में कौन कौन से प्रोफेशन कवर है, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशंस, और जो नोटिफाइड है वो है फिल्म आर्टिस्ट का है, म्यूजिक डायरेक्टर का है, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिस्ट, स्टोरी डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर एंड ड्रामेटिक राइटर, प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से मैंने कोई लिस्ट अब मिस नहीं की है, मिस किया तो मुझे अपडेट कर दो, इन माय व्यू ये स्पेसिफाइड है, ये नोटिफाइड है, वेदर एनी एडजस्टमेंट। सर बुक अकाउंट में एक क्वेरी है, हाँ सर, जैसे जीएसटी में इट इज कंपलसरी टू हैव स्टॉक रजिस्टर, वो कई लोग स्टॉक रजिस्टर लिखते नहीं है इसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, तो जीएसटी का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, सर बस ये होगा कि भाई ठीक है आप नेम हमें तो लिखना है तो सर यही है ना, नहीं कॉन्ट्रडिक्ट होगा तो मैं अपने ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम फॉल्स रिपोर्टिंग कर दूंगा, यदि एसएससी ने रिपोर्टिंग स्टॉक रजिस्टर नहीं मेंटेन करता, नहीं कर रखा, ही विल बियर द कंसीक्वेंसेस, व्हाई शुड आई बियर द कंसीक्वेंसेस ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग, वी शुड राइट दैट इट इज नॉट मेंटेन, बस वी शुड राइट, अच्छा ये जो रिपोर्टिंग है ये ICDS की रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है, उसमें तीन क्लॉज है DEF, यदि कोई डिफरेंस है ICDS वर्सेस AS में तो उसकी रिपोर्टिंग करते हो यहाँ के ऊपर, और वो डिस्क्लोजर की बात करता है, क्या वो क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है, तो जो चीज़ डिस्क्लोज करनी है मैं आपको अंत में बताऊंगा क्या क्या डिस्क्लोजर, उसके मैंने अलग से पूरा एक मेनू बना रखा है, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट सिर्फ यहीं पर ही है हमारे टैक्स ऑडिट के अंदर, किसी केस के अंदर कंपनी है या कोई और कंपनी है उसमें ICDS एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन टैक्स ऑडिट नहीं है तो डिस्क्लोजर कहीं और नहीं है, ये हमने 13F के अंदर ही डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट दे रखी है। दूसरा एक चीज और भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 13DEE के अंदर पूछता है वेरिएशन क्या है, यदि कोई वेरिएशन नहीं है तो आप जीरो लिखो लेकिन ब्लैंक मत छोड़ो, इट्स अ रिकमेंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो मैं बाद में कॉमन एरर आएंगे तो उसमें लूंगा, ठीक है राकेश जी, ठीक जी। अब एक आता है वेदर डेविएशन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 145 है, तो सर वैल्यूएशन में डेविएशन तो है ही, कि मैं अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा हूं नॉन एक्सक्लूसिव मेथड पे, 145 में कहता है आप बुक्स मेंटेन करो इंक्लूसिव मेथड पे, मैं लिखूंगा यस डेविएशन है लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है मैं नील कर दूंगा, ठीक है,
मार्क्स शीट हम बताता कोई डिफरेंस नहीं आया, वैसे भी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, एक तरफ टैक्स प्लस माइनस ही होना सिर्फ। इसलिए रेलेवेंट कुछ जजमेंट भी है, और यह एक चीज और भी है, यदि आप कोई वैल्यूएशन ऑफ मेथड फॉलो कर रहे हैं और यदि गलत मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई हीरोइज्म नहीं है कि हम उसको परिचित करें, यदि गलत है तो हम सही मेथड को फॉलो करें आगे से। हालांकि दिल्ली आई टी ने जजमेंट में कहा कि यदि रॉन्ग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पर वही माना जाएगा। आई डोंट सब्सक्राइब विद दिस व्यू विद ड्यू रिगार्ड टू द ऑनरेबल आई टी टी। यदि किसी पर्टिकुलर मेथड का कोई चेंज हुआ है तो उसे उसका इम्पैक्ट किया जाएगा, उस बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ज्वेलर में कुछ ज्वेलर क्या करता है, रिप्लेसमेंट मेथड के ऊपर अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है कि एस में प्रेस्क्राइब मेथड है, लेकिन जो एस सी इस मेथड के ऊपर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं 3CA के पैरा 3 में और 3CB के पैरा 5 के अंदर। ठीक है सर, गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये वैसे तो बहुत सिंपल सा क्लोज है, कहता आपने जब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट किया तो आप हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और किस अमाउंट पर कन्वर्ट हुआ है। बट ये टैक्स कब पे करना है, जब मैं स्टॉक इन ट्रेड को बेचूंगा। अब ऋषि जी राकेश जी सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई लिंकिंग नहीं है यहाँ पे कि कब बेचूंगा, मैं 2 साल बाद बेचूंगा, तो ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मांगी जाती कि कब मैंने बेचा, कोई नहीं है ना सर यहाँ पे लिंकिंग, कोई नहीं है। अच्छा अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, अब यहाँ पे ना दो चीज कुछ इश्यूज आए कि जब मैंने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और मुझे 54EC में इन्वेस्टमेंट करना है तो 6 महीने का पीरियड कब से काउंट होगा, तो जिस डेट पे मैं स्टॉक को बेचूंगा उस डेट से काउंट होगा या जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस डेट से काउंट होगा। तो इसमें जो जजमेंट आया कुछ सर्कुलर नंबर 791 आया, उसने कहा जिस डेट पे आप स्टॉक को बेचोगे उस डेट से आप 6 महीने काउंट करोगे, तो प्रैक्टिकली वायबल भी था क्योंकि पैसे आपके पास तब आएंगे, कन्वर्टेशन तो डीमिंग फंक्शन है, आपके पास फंड तो आए नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों राकेश जी, ऋषि जी बात सही कह रहा हूँ ना, फिर पैसे तो आए नहीं, आपने डीमिंग फंक्शन लगा दिया। इसी तरह रुद्रा में भी इस बात को कहा गया कि कन्वर्शन की डेट से काउंट नहीं करोगे, सेल की डेट से काउंट करोगे 6 महीने का पीरियड या फर्दर 54 की इन्वेस्टमेंट के लिए पीरियड। ये एक वैसे तो 28 में कोई बड़ा पॉइंट नहीं है डिस्कस करने के लिए, एक्सेप्ट वन पॉइंट जो ऐड हुआ था, द फेयर मार्केट वैल्यू बाय इन्वेंटरी एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट डिटरमाइंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। कन्वर्टेड इनटू मैं समझता हूँ कि मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड था, मैंने उसको फिक्स्ड एसेट बना लिया। ट्रीटेड क्या हुआ, हुआ क्या बिल्डर था, 500 फ्लैट पड़े हुए थे, अनसोल्ड इन्वेंटरी थी, जाके बैठ गया फ्लैट के अंदर एंड द मोमेंट वो बैठा वो फिक्स्ड एसेट हो गई, यदि उसने उसको अपना ऑफिस बना लिया तो ट्रीटमेंट हो गया ना एज ए कैपिटल एसेट्स, तो वहां पे सेक्शन 28 इन्वोक हो जाता है। क्या ये 6A इन्वोक हो सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है क्या मैं खुद से अपने आप को सेल कर सकता हूं। सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि अमाउंट रिसीव और अक्रूड और राइज फ्रॉम समवन एल्स, कहता है ना, खुद से तो ना अक्रू हो सकता ना राइज हो सकता ना रिसीव हो सकता, तो मेरा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो क्लॉज है ये चैलेंज हुआ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, शट डाउन हो जाएगा, इस क्लॉज के बेस पे टैक्सेबिलिटी नहीं आ सकती। वेयर लैंड और बिल्डिंग और बॉथ इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेप फॉर कंसीडरेशन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू सेक्शन 53CA 50CR। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेची आपने और वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेची तो डिफरेंस को मैट कर देंगे, ठीक है, उसके रिपोर्टिंग मांगता है। अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हो मैं से रिपोर्टिंग मांग रहे हो, लेकिन एक्ट में आप लोगों ने स्टैट्यूटरी राइट दे रखा है, वो राइट क्या है कि मैं डिस्प्यूट कर सकता हूँ कि भाई ये सुनो मेरी बात,
कि मैं जो वैल्यू है स्टेबिलिटी वैल्यू मैं उसको रिलाइज नहीं करता, ये आपने थीसिटी में तो नहीं रखा मुझे राइट, और आप तो एडिशन कर दोगे मैं जैसे रिपोर्ट करूंगा तो मैं क्या करूं, क्या करूं प्रवीण जी, प्रवीण जी गाइड कर दोगे, नोट देना चाहिए सर इसके बारे में। लेकिन अगर मैं उसको कॉलम में डालूंगा 17 में तो ऐड कर देगा सीपीसी, सीपीसी सुनता नहीं किसी, थ्री और फाइव में डालना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट प्रवीण जी ने बताया कि हम इसको क्लॉज 17 में रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम 3C के पैर 3 और 3C के पैर 5 में रिपोर्ट करेंगे कि जी ये फैक्ट्स है, ये प्रॉपर्टी बीच की, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एंड द एसएससी वांट्स टू एक्सरसाइज हिज स्टैट्यूटरी राइट टू गेट इट वैल्यूड फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफिसर। अच्छा दूसरा एक क्वेरी है इसमें हमारी, एक क्वेरी क्या है, जैसे ये ऑक्शन होती है गवर्नमेंट की, ऑक्शन होती है, ऑक्शन सेल होती है ना सर, मैंने वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली सर, सपोज 50 लाख की वैल्यू थी उसकी, मैंने 10 करोड़ में खरीद ली सर, तो मेरे पास अप्लीकेबल होगा ना सेक्शन 56? 50 लाख की वैल्यू थी, हाँ वो ऑक्शन में मुझे 10 करोड़ की मिल गई प्रॉपर्टी सर, वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ मिल गई आपको? हाँ जी ऑक्शन में मैंने खरीद ली, मेरा हाईएस्ट बिडर थी। तो सर देखो कवर तो होती है, होती है सर हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक चीज और देने जा रहा हूँ। हाँ जी ये सेक्शन का नेचर क्या है, एंटी टैक्स इवेजन रूल है। हाँ जी ये सेक्शन में क्यों आया, सो दैट आप जो लोग मिसयूज कर रहे थे उसका मिसयूज ना करें। यस सर ठीक है। केपी वर्गीस का जजमेंट किस किसने मेंबर ने पढ़ा है, जब अपना हैंड रेज करें या चैट में बताएं केपी वर्गीस किस किसने पढ़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। किसी ने पढ़ा केपी वर्गीस को, नहीं पढ़ा। केपी वर्गीस सेक्शन 52 हुआ करता था पहले, जो अब नहीं रहा है, ऋषि जी ने सर डील किया हुआ उसको, आपको याद होगा 52 सेक्शन के बारे में पहले होता था। हाँ वो भी ऐसी यही बात करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मिस्चीफ को मिटाने के लिए सेक्शन आया, ये एंटी टैक्स अवॉइडेंस है। अगर आप ये कहते हो कि एसएससी ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, मतलब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ और 60 करोड़ में बेची, सॉरी 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 50 करोड़ में बेच दी, कम में बेची है, या आप कैसे आप कह रहे हो कम में आपने ले ली, तो पहला ऑनर्स एओ के ऊपर है वो प्रूव करे कि अंडर द टेबल पैसा चेंज हुआ है या ब्लैक में पैसा गया है। यदि वो अपना ऑनर डिस्चार्ज नहीं करेगा तो डिफरेंस का एडिशन नहीं हो सकता। मिस जब भी हमें कोई सेक्शन पढ़ना है एंटी अवॉइडेंस रूल तो हमें विद पर्पस पढ़ना पड़ता है क्या आया था, और ये बात लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सती ऑयल उद्योग में कही और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कही। परवीन जी ये जवाब है आपका, लेकिन डिस्प्यूट में लंबा जाएगा बट आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर समझ गया, बता ठीक है ना। अब जहां 50C अप्लीकेबल नहीं है, 3AC राइट में अप्लीकेबल नहीं है, लीजो राइट्स में अप्लीकेबल नहीं है, यदि आप कंपनी के शेयर बेचते हो तो अप्लीकेबल नहीं है, TGR पे अप्लीकेबल नहीं है, डेवलपर राइट पे अप्लीकेबल नहीं है, यस डेप्रिशिएबल एसेट्स पे 50C और 50S अगेंस्ट है, इस पे अप्लीकेबल है। अब हम डेप्रिशिएशन के क्लोज पे आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं क्या सिस्टम मेंटेन करता हूँ, 5 लाख की एसेट्स मैंने परचेज करी, मैंने 2 लाख इस साल पे किए, 3 लाख अगले साल पे किए, मैं डेप्रिशिएशन कितने पे लूंगा, 5 लाख पे लूंगा 2 लाख पे लूंगा? मैं डेप्रिशिएशन 5 लाख के ऊपर लूंगा क्योंकि टोटल वैल्यू 5 लाख है एसेट्स की, नॉट 3 लाख और 2 लाख, वो एडजस्टमेंट और आगे पीछे होती रहेगी। अच्छा दूसरा मुझे चीज बताओ, अब आप में से कितने लोग, अब मैंने कोई एसेट्स ली, एसेट्स खरीदी मैंने, एसएससी ने एसेट्स खरीदी, हम में से कितने लोग एसएससी से पूछते हैं कि तूने पुट्टू यूज कब किया, सर्टिफिकेट कब लेते हैं, MRR लेते हैं इसके ऊपर? हम खुद ही मान लेते हैं ना, हम तो खुद ही मान, हम तो प्रेज्यूम करते हैं बिल को देख के आप। और सर कल अगर केस लग जाए और एसएससी को अफसर बुला ले
और सब पूछे तूने कब पुट्टी यूज करी थी, वो कहती मैं तो पुट्टी यूज ही नहीं करी पूरे साल, तो क्या जवाब दोगे? उसे रिटर्न में लेना चाहिए बिल्कुल, MRL मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इसी चीज का होता है, सर्टिफिकेट लॉस से। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पुट्टी यूज क्या कोई, क्यों परवीन जी? यस सर एग्री, ठीक बात है सर, बिल्कुल हम खुद ही डिटरमाइन कर लेते हैं। हां एक चीज और ध्यान रखना, कभी अफसर आपसे पूछे रिटर्न कौन फाइल करता है, आप ये मत कहना मैं फाइल करता हूं, रिटर्न हमेशा एसएससी फाइल करता, हमने बट फाइल करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं, हमारे पास सिग्नेचर होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं हमने फाइल की है जी, कहते हैं ना। सो टेक केयर सर, और अपने चार्ट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स वर्ड यूज मत करो, AS कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा हमारा AS 10 कहता है कि यूजफुल लाइफ पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जबकि हम सारे लोग 132 सेक्शन 32 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, करते हैं ना जी। तो हमको वो देता है इसका क्वालिफिकेशन 3C के पहला 3 में और 3C के पहला 5 में देना चाहिए ना, हैं? हमें इसलिए चाहिए ना कि AS 10 कहता है डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन एसएससी ने जो कैलकुलेट किया है वो सेक्शन 32 में इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है। हम नहीं देते हैं, है ना परवीन जी? हाँ जी हाँ जी, ठीक है ऋषि जी, बिल्कुल सर। परवीन जी अपना वीडियो ऑन कर लो भाई। लगता है परवीन जी पार्टी वार्टी कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते। परवीन जी कह रहे हैं अकेले खाते हैं। डॉक्यूमेंट से थोड़ा मजा की मजाक करते रहना चाहिए। जी जी सर, जो लास्ट टाइम आया था कि इस पीरियड के बीच में कोई ऐसा खरीदोगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो आगे के लिए भी कंटिन्यूड है कि जब कोई मोटर व्हीकल मोटर कार खरीदते हो 1 अप्रैल 2020 से लेके और सॉरी 23 अगस्त 2019 से लेके 1 अप्रैल 2020 के बीच में, तो हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आज भी आप क्लेम कर सकते हो। ये तो बड़ा गड़बड़ पॉइंट हो गया। एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉई एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड वेयर सच सम अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। अब ये बड़ा लोचे का पॉइंट है सर। अब एक बात बताओ, हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर, हम सब डायरेक्टर को ही बोनस देते हैं, एम्प्लॉय को ही बोनस देते हैं, क्या कंपनी के अंदर डायरेक्टर ही एफिशिएंट होते हैं, एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं होते हैं? परवीन जी ये क्वेश्चन आए हुए केसों के अंदर बातें उठी हैं, अफसर ने पूछ लिया यार एक बात बता, तेरी पूरी कंपनी में सब डायरेक्टर ही एफिशिएंट होगा, इनको बोनस मिलना चाहिए और वो शेयर होल्डर है, और कोई कंपनी में इतना एफिशिएंट नहीं जो बोनस का एंटाइटलमेंट रखता हूं। तो टेक केयर दिस पॉइंट। अब गारंटी कमीशन पेड टू डायरेक्टर जो हैंडल अलाउबल हुआ, बट एक केस है मुंबई ITT ने कहा कि नो एविडेंस टू शो कि डायरेक्टर्स ने कोई एक्स्ट्रा सर्विस रेंडर की है जो उन्हें हम ह्यूज कमीशन दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं। तो जब भी आप डायरेक्टर्स को कमीशन दो बोनस दो तो उसको डॉक्यूमेंटेड करो क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, जो हम नहीं करते, ठीक है ना सर? चलो, अरे ये तो बड़ा ही दुखी पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय और वेरियस फंड्स रेफर टू दैट इज मनी। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा होगा सीए का ऑफिस जिसमें ये पॉइंट ना हो दुनिया के अंदर। तो सर इसका तो जो पहले 84 में एक्ट आया तो 36(1)(VA) आया था, मैंने इसमें एक आर्टिकल भी लिखा था जो आप सबके साथ शेयर भी हुआ था उस टाइम, जो ITT ऑनलाइन पब्लिश हुआ था 15 से 20 पेज का था और काफी पॉइंट मैंने कवर भी किए थे, जिसे मैंने ये लिखा था। तो ये आया था विद द पर्पस से जो एम्प्लॉयर और पैसे को रोक लेते हैं उसका मिसयूज करते हैं और एम्प्लॉय का जमा नहीं कराते,
और इम्प्लॉय को इंटरेस्ट नहीं मिल पाता। लेकिन एक या दो दिन की डिले से क्या ये चीज सेटिस्फाई होती है? नहीं। और किसका दो दिन डिले हो गया, छुट्टी है, कोई बात है, बैंक की हॉलीडे है, तो क्या उस ऑब्जेक्ट उस पर्पस पर हम कवर होते हैं? बिल्कुल भी कवर नहीं होते। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट का एमिल का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि आप जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है यदि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर जमा करा दोगे तो आपको अलाउ हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 17-18 तक हमको अलाउ हो भी रहा था। 17-18 में सीपीसी में प्रोसेसिंग को चेंज किया गया, डिसअलाउ कर दिया, फिर हमें डिसअलाउ होना शुरू हो गया। फिर काफी जजमेंट आए, एक भारत होटल का आया, उसने कहा आपको डिसअलाउ सही है, तो 6 सितंबर 2019 को आया था। उसके बाद 10 सितंबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट हो रहा है इंडिया प्रॉप कार्ड का, जिसने एमिल को फॉलो करते हुए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को अलाउ किया। फिर दिल्ली आईटीटी में जजमेंट चले, किसी ने भारत को फॉलो किया, किसी ने इंडिया प्रॉप कार्ड को फॉलो किया, डिपेंडिंग अपॉन काउंसलर जो थे वो कितना अपडेट कर पा रहे थे। सीआईटीडब्ल्यू भी दो भागों में बढ़ गए, कुछ ने अलाउ कर रहे थे, कुछ डिसअलाउ कर रहे थे। तो ये प्रोपोजिशन लोग चलता रहा। अभी लेटेस्टली मूव क्या हुआ, 2021 में एक क्लॉज और ऐड कर दिया गया कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, अगर क्योंकि इसमें जो अलाउ हो रहा था उस बेस पे अलाउ हो रहा था कि ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा होता है। और क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा होता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 43B में बिफोर द ड्यू टू फाइलिंग ऑफ आईटीआर है, तो ये प्रोविजन ले गया फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट। 43B या 36B का कोई रिलेशन नहीं है। आगे अमेंडमेंट ये, अब इस अमेंडमेंट के द्वारा इन्होंने इंडिया प्रॉप कार्ड को भी ओवरूल करने की कोशिश करी और सारे जजमेंट जो भी एसएससी के फेवर में आए थे सबको ओवरूल करने की कोशिश करी। ठीक है राकेश जी? जी जी। अब लेटेस्ट पोजीशन क्या हुई, अब इसमें काफी जजमेंट आ गए 1 अप्रैल के बाद, इस फाइनल सेट के बाद 5 से 6 जजमेंट दिल्ली आईटीटी के भी आए। उसमें ये कहा गया कि ये प्रोस्पेक्टिव नेचर है अमेंडमेंट और इंडिया प्रॉप कार्ड को फॉलो करते अलाउ भी किया गया। लेकिन एक जजमेंट नेगेटिव भी आ गया जिसने ये कह दिया कि जी ये रेट्रोस्पेक्टिव पुराने से लगेगा और उन्होंने भारत होटल को फॉलो कर लिया। तो दिल्ली आईटीटी दो तरह के जजमेंट हो गए। तो अब इसमें तो स्पेशल बेंच रिजोल्व करेगी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हालांकि हैदराबाद आईटीटी, कोलकाता आईटीटी ने कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव नेचर है और वो अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो 3 अगस्त को जजमेंट आया दिल्ली आईटीटी का, जो दो मेंबर ने जजमेंट पर साइन किए वो तो फेवर में किया, और जो 26 अगस्त का जजमेंट साइन हुआ दो मेंबर का, उसमें एक मेंबर कॉमन था, उसने वहां पर अलाउ किया, यहां डिसअलाउ कर दिया। मतलब सेम मेंबर एक जगह अलाउ कर रहा है, एक जगह डिसअलाउ कर रहा है। तो इट्स ए वेरी कंफ्लिक्टिंग पोजीशन एज ऑन टुडे। अच्छा, अब क्या हमारे पास ग्राउंड्स खत्म हो गए फाइट करने के इश्यू को? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो एक्ट भी अमेंड हो गया, एक्ट में अमेंडमेंट आ गई ना, तो क्या हम आगे लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। पहले तो बता दो, जो अमेंडमेंट आई थी 2021 के अंदर उसमें फाइनेंस उसमें मेमोरेंडम में और नोट्स टू क्लॉज में लिखा है ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उस अमेंडमेंट से जहां लिखा फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, और एक एक्सप्लेनेशन आई। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एम एक्वा का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिमूव डाउट का मतलब हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव भी होता है। ये उन्होंने कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ 43B एक्सप्लेनेशन 3C के रिस्पेक्ट हुआ था। तो पूछने वाला था परवीन जी, आपको वो कर लो साइलेंट। परवीन जी, हाँ कर दिया सर, कर दिया, चलो। तो उन्होंने ये कहा कि रिमूवल ऑफ डाउट का हमेशा जो मतलब होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, तो हमारे बेनिफिट की बात करें। इसके अलावा जो और डाउट मेरे पास है आगे लड़ने के लिए वो ये है कि मेरी जो इंटेंशन थी लाइसेंस को लाने के लिए मिसयूज की थी,
दो या तीन दिन का जो डिले होता है मिशन ग्रुप में फॉल नहीं करता। दूसरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है। तो जब पीएफ एक्ट के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा ही नहीं होता तो 36(1) भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। तीसरा ग्राउंड है कि 143(1) प्राइमा फेसिया एडजस्टमेंट की बात करता है। ये एक डिस्प्यूटेड इशू है। अब बिंग ए डिस्प्यूटेड इशू 143(1) में आ ही नहीं सकता। चौथा, ये जो डिसलाउस हो रहा है 143(1)(4) में हो रहा है। 143(1)(4) क्या कहता है कि ऑडिटर ने डिसलाउ किया हो, सर 3CD में भरता नहीं, वो SSC भरता है, वहां मैं कोई अपनी ओपिनियन देता नहीं, 3CA 3CB मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने अब तो कोई ओपिनियन दी नहीं। जब मैंने कोई ओपिनियन दी नहीं तो मैं स्कॉल में फॉल ही नहीं करता हूं। तो मेरे ख्याल से अभी 4 ग्राउंड हमारे पास अभी अवेलेबल आगे फाइट करने के लिए। फर्दर ये कहता है प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल पर्सनल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो कोई कैपिटल खर्चा है, पर्सनल है या एडवर्टाइजमेंट है, वो डिसलाउ होगा। कंपनी के ऐसा पर्सनल खर्चा कुछ भी नहीं होता। यदि डायरेक्टर ने कोई पर्सनल खर्चा किया उनका प्रोसीजर ऐड होगा, इन कंपनी के हाथ में डिसलाउस नहीं हो सकता। ये गुजरात हाई कोर्ट में कहा था शैजी राव के केस में, ठीक है सर। अब हम फर्दर बात आते हैं पेनल्टी और फाइन जो है फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, ये अलाउ नहीं होने चाहिए। तो पेनल्टी क्या है, फाइन क्या है, क्या जो कंपोजिट जो कंपाउंडिंग नेचर के केसेस हैं उनको हम फाइन या पेनल्टी कहेंगे। तो इसमें कुछ ज्यूरिसप्रूडेंस मिलती है जो गाइड करती है। जैसे दिल्ली ट्रिब्यूनल में महावीर मल्टीट्रेड में कहा कि पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 37(1). यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है और उसके कारण कोई पेनल्टी लगी है तो ये कोई फाइन नहीं है, वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है तो ये कवर नहीं होगा। सिमिलरली कोई अपने इंटरेस्ट पे किया, लेट डिपॉजिट और वैट के ऊपर सर्विस टैक्स पे किया या TDS कोई पे किया तो पेनल नेचर के नहीं है, सब कंपाउंडिंग नेचर के हैं। तो उन्होंने कहा ये सब अलाउबल होंगे। लक्ष्मण दास मथुरा दास पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आप एरियर इंटरेस्ट पे करो और एरियर और ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सेल टैक्स तो कंपनसेटरी नेचर का है, ये फाइन नहीं है तो ये अलाउ होगा। तो ये सब चीजें आई। अब बात करते हैं, यहां तक सर कोई डाउट है तो बता दो फिर मैं आगे चलूं। कोई क्वेश्चन है राकेश जी, चेक कर लो। सर क्वेश्चन एक तो ये है कि भाई नीड वन क्लैरिफिकेशन, इफ ए शेयर सोल्ड ऑन सेम डे देन इट इज दिस स्पेकुलेशन इनकम और नॉट। सर स्पेकुलेशन तो वैसे भी यदि आप देखो, पहले तो ये फिजिकल डिलीवरी है नॉन फिजिकल डिलीवरी है। यदि फिजिकल डिलीवरी है तो स्पेकुलेशन का मतलब ही नहीं है, क्या आप सेंड पे भेज दो। और नॉन फिजिकल डिलीवरी में भी अमेंडमेंट सेक्शन 43 में आ चुकी है, यदि लिस्टेड शेयर है और स्टॉक एक्सचेंज पे प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर अकाउंटिंग है उसकी, तो स्पेकुलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है राकेश जी। बट सर सेम डे बेचा है, ये सेम डे लिया उसी टाइम क्या होता है, उसे क्या फर्क पड़ता है। मैं सेम डे में फ्यूचर ऑप्शन में भी जाता हूँ और वो स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपरली मैं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है तो वो भी स्पेकुलेशन नहीं है। अब तो डेरिवेटिव तो नहीं, डेरिवेटिव तो नॉर्मल बिजनेस है सर। हाँ, और ये तो सेल परचेज है तो क्या कैसे हो जाएगा स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन की डेफिनेशन क्या है, जो नॉन फिजिकल हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन सर? और तो नहीं है सर कोई। चलो अब इसके अंदर ना 5 सिचुएशन है जो हम डील करेंगे। अमाउंट इन एनविजिबल अंडर सेक्शन 40AI एंड 40AIA। सबसे पहले तो 40AIA 100% डिसअलाउंस की बात करता है, यदि आपने TDS नहीं काटा तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किए, यदि आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया 40AIA में कवर हो तो 30% डिसअलाउंस की बात होती है, ठीक है। तो अब ये आया एक मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के ऊपर एक केस आया जहां उन्होंने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की थी और वहां पर उन्होंने TDS नहीं काटा तो 100% डिसअलाउंस हुआ। जब 100% डिसलाउंस हुआ तो एसएससी ने नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज को इन्वोक किया जो DTA में है। यदि जब आप रेजिडेंट का 30% कर रहे हो, मेरा 100% डिसलाउंस क्यों कर रहे हो, तो ट्रिब्यूनल ने उनके बात मानते हुए जो डिसलाउंस था उसको 30% रेस्ट्रिक्ट कर दिया।
मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ओपन कर दो चैट बॉक्स को, कि यदि मैंने इंटरेस्ट पे किया फॉरेन बैंक को तो मैं टीडीएस काटूंगा या नहीं काटूंगा, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड बैंक, मुझे गाइड करो, मैं कंफ्यूज हूं। ठीक है बंदे जी, क्या जवाब आने से टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? सुदेश जी कह रहे टीडीएस नहीं कटेगा, और कोई सर? देख रहा हूँ सर, और तो कोई नहीं है सर। चलिए अच्छा, चलो मैं यहाँ पे यदि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती तो टीडीएस कटता है नहीं कटता? किस पे जी? यदि मैं इंटरेस्ट पे करता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, कटता है जी, काटूंगा नहीं काटूंगा? वहां कटेगा, टीडीएस काटना है, वहां काटना। फॉरेन बैंक में कंफ्यूजन है, नॉन बैंकिंग पे क्लियर है सर। फॉरेन बैंक में भी टीडीएस कटेगा? फॉरेन बैंक में टीडीएस शेड्यूल बैंक में नहीं आते। अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो 100% डिसलाउंस हो जाएगा आपका, तो टीआई में। ये गलतियां काफी होती हैं, हमें ध्यान रखना है कि फॉरेन बैंक में जब भी पे करेंगे इंटरेस्ट तो टीडीएस काटेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताए, 3 सिचुएशन मेरे सामने है, प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट चार्ज, पेनल्टी, मैं और मैं पे कर रहा हूँ, मैं टीडीएस काटूंगा या नहीं काटूंगा? मैं फॉरेन बैंक को पे कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया फॉरेन बैंक को जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं टीडीएस काटता हूँ। या मैं एनबीएफसी को पे कर रहा हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को पे कर रहा हूँ, चलो वो भी नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन बैंक को हटा दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आ गया, काटूंगा नहीं काटूंगा? मेरे हिसाब से तो नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। किस पे नहीं करना चाहिए? प्रोसेसिंग फीस पे, प्रीपेमेंट पेनल्टी, तीनों पे नहीं कटना चाहिए। वेरी गुड सर, ऋषि जी। और कोई व्यू सर? चैट बॉक्स में क्या व्यू आ रहा है राकेश जी? सर व्यू तो कोई नहीं आया, क्वेश्चन ही आया यार, इंटरेस्ट ऑन होम लोन और बिजनेस लोन टू एनबीएफसी। एक मिनट सर, आर इंटरेस्ट ऑन होम लोन और बिजनेस लोन टू एनबीएफसी लायबल टू टीडीएस, बस का भी जवाब दूंगा, पहले इसका कर लेते हैं फिर उस पे आ जाएंगे। हाँ जी, इसमें तो कोई नहीं आया सर अभी। देखो जब मैं कहता हूँ इंटरेस्ट पे टीडीएस कटना चाहिए, एनबीएफसी को आप पे करोगे जी। तो आप इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखो 220(a)(a) में क्या है, उसमें प्रोसेसिंग फी भी इन्वॉल्व है और प्रीपेमेंट चार्ज भी इन्वॉल्व है, पेनल्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो आप प्रोसेसिंग फी पे भी टीडीएस काटोगे, प्रीपेमेंट चार्ज पे टीडीएस काटोगे, पेनल्टी पे नहीं काटोगे। ठीक है बलदेव जी, हमारे राइट सर, ठीक है सर। ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं सर, तो पीछे सीट पे बैठे हैं, गाड़ी में हैं सर, ड्राइवर गाड़ी में हैं सर, पीछे ड्राइव नहीं कर रहे, गाड़ी में आराम से बैठे। चलिए अभी क्या क्वेश्चन था सर? देखो होम लोन केस में आप इंडिविजुअल हो, अगर आपका किसी फॉरेन बैंक से लोन लिया हुआ है तब तो टीडीएस का इश्यू आएगा, लेकिन ये इंडियन बैंक से है तो वहां पे इंडिविजुअल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, और कंपनी होम लोन नहीं लेती। ठीक बात है सर। एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर ले लें तो बीच में ना। हाँ प्लीज। एडिशनल जीएसटी पेड फॉर 2018-19 इन करंट ईयर एलायबल एज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। दोबारा से बोलिए। Additional GST tax paid of 18-19 in current year is allowable in the allowable है। ठीक है सर, allowable, कोई दिक्कत नहीं। ठीक अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे गाइड करो कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है या साइंटिफिक इक्विपमेंट है इसमें टीडीएस में किस रेट पे काटूंगा, 2% पे या 10% पे? मैं 194 किस कौन सेक्शन में जाऊंगा? मैं चैट बॉक्स में कोई जवाब आ रहा है? नहीं सर कोई नहीं।
चलो मैं बता देता हूँ। सर देखो 194i कहता है कि 2% कटेगा यदि कोई इक्विपमेंट किराए पे लेते हैं, और 194j कहता है यदि आप कोई में रॉयल्टी कवर है, रॉयल्टी कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या सर्विस इक्विपमेंट कवर करती है रेड चार्जेस को। 194i जनरल सेक्शन है और 194j विद डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी ये स्पेसिफिक सेक्शन है, तो इनके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा। हम 194i में नहीं जाएंगे, 194j में जाएंगे, ठीक है सर? ये जजमेंट है जो इस बात को कहते भी हैं। यहाँ तो कोई डाउट है सर? नहीं कोई नहीं है। सिमिलरली अब इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि जब हमने टीडीएस काटा नहीं लेकिन स्पेन ने पे कर दिया, तो आप उसे सर्टिफिकेट लेके सीएसए उसके सीएसए लेके फर्निश करोगे और आपको डिसलाउंस नहीं होगा। एम आई राइट राकेश जी? जी जी। लेकिन यहाँ पे तो इसको कोई मुझे जो स्टैट्यूटरी राइट है वो तो यही नहीं रखा 3CD में, तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लोज को वहां रिपोर्ट नहीं करूंगा और 3C के पैरा 3 और 3CB की पैरा 5 में रिपोर्ट करूंगा कि द असेसी वांट्स टू एक्सरसाइज द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म 26AB है जहां तक है वो, दैट द पे हैज डिक्लेयर्ड दिस इनकम इन द इनकम टैक्स रिटर्न एंड पेड द ड्यू टैक्स ऑन इट। ठीक है सतीश जी? जी बलदेव जी सही चल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। गुरु की गाइडेंस मिलती है सही रहता है। नहीं ये तो ऑलरेडी है ये तो। अब ऑनर्स किसके ऊपर है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ। मेरा व्यू है देखो जो 201 में अमेंडमेंट आई थी जो डिफॉल्ट की बात करता है, नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस की और पेनल्टी की बात करता है, उसमें एक प्रोविजन ऐड हो गया कि यदि एसएससी पे ने पे कर दिया है और 26AB पे फॉर्म सबमिट हो जाता है तो हम एसेशन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। उससे पहले एक ऑनर्स हुआ करता था, ऑनर्स किस पे, यदि पे ने जमा कराया नहीं कराया किसको पे ऑनर्स है, इसका ऑनर्स पेयर पे है या असेसिंग ऑफिसर पे है। कई बार जो पे हो मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकता पेयर की, अगर 200 बाद मेरा केस फुटने में लग रहा पे मुझे डेड ही नहीं करेगा, मुझे बताएगा ही नहीं, वो मैं वो सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, उसने तो डिक्लेयर करके टैक्स पे कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो मेरा व्यू ये है कि प्राइमरी ऑनर्स एओ के ऊपर है कि पहले वो ये कंफर्म करे पैसे कि उसने इसको डिक्लेयर किया या नहीं किया, ओनली देन 201 कैन बी इन्वोक्ड। हालांकि डिस्प्यूट्स हैं लेकिन कुछ जजमेंट हमारे फेवर में भी है जो प्री प्रोविजो के स्टेटस है, जो प्रोविजो इंट्रोड्यूस था उससे पहले के हैं, लेकिन वी कैन फाइट ऑन इट, हम इस पर फाइट कर सकते हैं और होना भी चाहिए। ठीक है बलदेव जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसके अंदर? बलदेव जी कह रहे ठीक है। सर अनम्यूट कर लो अपने आपको, म्यूट हो। तो ये एक इश्यू है जो मेरे ख्याल से हम फाइट करके डेवलप कर सकते हैं। इवन और ऐसे बहुत कुछ है पर ठीक है यहीं तक चलते हैं, इसको आगे चलते हैं। डिसअलाउंस और डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 48(3) कहता है यदि आपने कोई पेमेंट कैश में की और 10,000 से ऊपर की तो हम खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है राकेश जी और ऋषि जी? जी जी नहीं जी। बट इसमें कुछ हमारे लिए जो गाइडेंस है जो ऊपर से हमारे कोर्ट ने हमें दी या सर्कुलर आया वो हमें क्या गाइड करते हैं, देयर इज सर्कुलर 6P ऑफ 1968 वो बताता है ये प्रोविजन आया क्यों था, टू कवर द ब्लैक मनी। इट मीन जहां पे भी आइडेंटिफाइएबल हो, पेयर भी आइडेंटिफाइएबल हो, कमर्शियल एक्सपीडेंसी भी प्रूव हो जाती है, जेन्युइननेस भी प्रूव हो जाती है,
डिस्काउंस नहीं होगा इवन इफ आपने कैश में पे कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया जब भी हम एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन को पढ़ेंगे तो हम किस एंगल से पढ़ेंगे, किस पर्पज से वो आया था, और वो पर्पज का जो ऑनर्स है वो ये पे होगा, हमारा ऑनर्स होगा कि हम प्रूव करें उस ऑनर्स कवर नहीं होते। और उसमें हमें जो सपोर्ट करता है दिल्ली हाईकोर्ट, हनी एंटरप्राइज, गुजरात हाईकोर्ट, अनुपम टैली एंड एक जजमेंट है हर्षिला चोरंडिया का, जो हमें ये गाइड करती है। ठीक है सर, तो हमें गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ ए कंटिजेंट नेचर, इसमें जनरली क्या आता है कि जैसे आप, हम लोग कई बार खर्चा प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक बेस के ऊपर अपनी बुक्स के अंदर, कि हम एक कंपनी है जिसे प्रोडक्ट बेचा 5 साल की वारंटी दे दी, एज यू टूडे खर्चा डेबिट कर लेते, प्रोविजन कर देती है, तो ये डिसअलाउ कर देता है, आपने तो इनकर ही नहीं किया, हम क्यों अलाउ करें। तो सुप्रीम कोर्ट के कई कोर्ट की गाइडेंस आई हमारे को, यदि वो आपने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया है तो खर्चा अलाउ होगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिजिबल इन टर्म्स ऑफ 14A इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम इन रिलेशन टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। 14A का जो डिसअलाउंस है वो मोर ऑर लेस सेटल हो चुका है। उसमें क्या क्या सेटल हुआ है, यदि कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो कोई डिसअलाउंस भी नहीं होगा, यदि एग्जेम्प्ट इनकम से ज्यादा डिसअलाउंस नहीं होगा, और यदि आप कंप्यूटेशन करते रूल 8D के अंदर तो हम सब दो इन्वेस्टमेंट लेंगे जो एग्जेम्प्ट इनकम यील्ड करती हैं, और जो एग्जेम्प्ट इनकम यील्ड नहीं करते उनको कंफर्म नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने केस ITIT मारू किया था इस तरह का, वहां पे तो ये था कि एसएससी ने खुद ही सरेंडर कर दिया था, अरे उन्होंने एडिशन कर दिया, SIT ने कहा कंफर्म कर दिया। जब मैंने इस मैटर को ट्रेवल किया ITIT में, मैंने कहा सर मेरे सरेंडर करने से क्या कंप्यूटेशन बनेगी, लोग क्या कहता, लोग को देखोगे या मेरे को देखोगे, मैं लो बनाता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ चीज अलाउगी नहीं होगी, लॉ में लिखा हुआ है। तो मेरा एसएससी ने एग्जेम्प्ट इनकम को ले लिया गलती से, नॉन एग्जेम्प्ट इनकम को, क्या नॉन एग्जेम्प्ट इनकम के बेस पे मेरा डिसअलाउंस कैलकुलेट हो सकता है इस पर लॉ। तो मेरी बात को माना गया और जो डिसअलाउंस मैंने खुद ही सरेंडर किया था एसएससी ने, वो भी अलाउ हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना। सिमिलरली कुछ जजमेंट आए कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो अप्लीकेबल है या नहीं है, ये सब उनको सेटल कर दें, सब पे अप्लीकेबल है। अमाउंट इनएलिजिबल अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 36(1)(3), इसमें सिंपल सा हमें ये देखना है, ये कहता है कि आपने कोई अमाउंट बोरोड किया इंटरेस्ट पे, और आगे आप किसी को इंटरेस्ट फॉर फ्री लोन दे देते हो या एसेट्स में यूज नहीं करते, तो आपका इंटरेस्ट डिसअलाउंस होना चाहिए। हमें यहाँ ये देखना है कि हमारी कॉमन किटी है उसमें हमारा लोन का अमाउंट भी आ रहा है, सेल का अमाउंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि आप जो इंटरेस्ट बियरिंग फंड था वही आ गया, लोन आपने लोन दिया इंटरेस्ट फ्री। तो मिस फंड के केस में सेक्शन को हम इन्वोक नहीं कर सकते। सब बहुत सारे जूसपोर्टर सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने साउथ इंडियन बैंक में भी अलग डिफरेंट एस्पेक्ट में करी, लेकिन सेम बात करी मिस फंड की। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। अब मैं एक सवाल है आपसे, ये मैंने पर्टिकुलरली यहाँ क्यों लिया है, जान लो ये कहता है कि यदि आपने किसी से माल खरीदा हो, MSME में आता है, आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो क्या इंटरेस्ट पे TDS कटेगा? बताइए सर, इंटरेस्ट पे TDS काटोगे? ऋषि जी क्या विचार है आपका? सर अभी सोच रहे हैं। कुछ चैट में लिख लेना कोई जवाब आए तो। नहीं कोई जवाब नहीं है सर। सर आप मुझे बताइए क्या 228 की डेफिनेशन में फॉल करता है ये अमाउंट? बोरोड तो है नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है इस पर 228 है, इस पर TDS नहीं कटेगा, कटना चाहिए हमबल भी। ठीक है ऋषि जी, ठीक हुआ था, ठीक है। पेमेंट पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44A(2)(b), ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, यदि किसी रिलेटिव को पेमेंट करते हो एक्सेसिव है तो AO डिसाइड करेगा,
हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है इस केस में कि हमने किसी रिलेटिव को पेमेंट की है जो 48B में कवर है, तो वो जो टेस्ट लिखे हुए तीन उसके अंदर बेनिफिट टेस्ट और सब टेस्ट वो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो अच्छा रहेगा केस के टाइप के अंदर। जनरली हमें से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता, ठीक है सर। अभी इसमें कम से कम 112 पे हैं मेरे ख्याल से, और अभी 60-70 स्लाइड और हैं। कैन वी टेक ए ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स और कंटिन्यू करें? क्या कह रहे हो सर? 5-10 मिनट्स अभी, क्योंकि एक घंटा और लग जाएगा, तो अभी ब्रेक लेना 5-10 मिनट का, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर ले सर। ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं सर, जितना मैक्सिमम चीज कवर हो जाए अच्छा है। ठीक है सर। In respect of any sum referred to enclosed A, B, C, D, E, F, G of section 43B, the liability for which if not claimed the profit and loss account then claim deduction, this cannot be 43B कहता है यदि आपने बिफोर द ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं करी तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है राकेश जी? जी जी ब्रीफ में तो हम सब क्लियर है सेक्शन के बारे में। यहाँ पे कुछ सेक्शन पास्ट में कुछ डिशेस आए पास्ट के अंदर जो कहते थे जो हमने पीएनएल में क्लेम ही नहीं किया तो डिस्काउंट किस बात का, हालांकि वो सेक्शन अब ओवरराइड से हो गए हैं चलते नहीं है डिसेंस, बट दे आर सर्टेन डिसेंस इन द पास्ट। इंटरेस्ट ऑन एनबीएफसी में सिस्टमैटिकली इसको फर्दर ऐड किया गया टू बूस्ट और टू गिव सपोर्ट टू एनबीएफसी, कि यदि आप इसके इंटरेस्ट को टाइमली पे नहीं करोगे तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा। और इसमें सिस्टमैटिकली एनबीएफसी ऐड की गई तो 500 करोड़ से ऊपर जिनका फंड है वो सिस्टमैटिक एनबीएफसी कहलाती है। इसमें क्लोज और ऐड किया गया एनी पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ एसेट्स। अब क्या है ये यूज ऑफ एसेट्स के लिए, यानी कि आप यदि आपने कोई उसकी एसेट्स किराए पे लिए है तब तो डिस्काउंट होगा, यदि आप कोई सर्विसेज ली आपने रेलवे की और उसकी पेमेंट आपने लेट किया तो डिस्काउंट नहीं होगा। जैसे होर्डिंग्स है, होर्डिंग्स आपने किराए पे लिए रेलवे के तो एसेट्स को यूज कर रहे हो, उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। सर्विस ले ली रेलवे की मान लो और उसकी लेट पेमेंट करें तो डिस्काउंस नहीं होगा। ठीक है सर? ठीक है। क्लोज 27 या फॉर्म 3CD, यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है सर। गड़बड़ ये है कि नोटिफिकेशन में तो अभी तक सैंडवर्ड वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि हम जीएसटी रीजन में आ गए, लेकिन यूटिलिटी में जीएसटी आ गया है। सवाल ये रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, तो मेरा व्यू ये है कि एक होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अपडेटेड एज पर अपडेटेड कंस्ट्रक्शन, कि जैसे जैसे अमेंडमेंट है उसके हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट किया जाए। तो ये ऑप्शन है आपके ऊपर, यदि आप रिपोर्ट करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन जो भी आप फॉलो करते हैं आप 3CA के पैरा 3 और 3CB के पैरा 5 में रिपोर्ट करते हैं कि मैं क्यों रिपोर्ट करूं क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी सर बड़ा एक डिस्प्यूटेड सा इश्यू हो जाता है कि पहले प्रायर पीरियड खर्चे हैं क्या। अगर आप AS9 की बात करें तो AS9 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस की बात करते हैं। मेरे पास कुछ समय पहले एक केस आया था जिसके अंदर बिल तो थे पिछले साल के लेकिन पेमेंट हुई अप्रैल 10 में और एसएससी ने करंट ईयर में उसकी क्लेम किया। ये उन्होंने कहा तो प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर है, मैं अलाउ क्यों करूं। असल में वहां एक डिस्प्यूट था जो सेटल हुआ था 10 अप्रैल को। एसएससी ने कहा जी मेरा तो खर्चा क्रिस्टलाइज ही नहीं हुआ, मुझे मालूम ही नहीं मुझे पे कितना करना है, तो मैं क्लेम कैसे कर लूं। तो जो हमें टेस्ट करना है प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर को वो हमें टेस्ट करना है क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, कि खर्चा क्रिस्टलाइज हुआ या नहीं हुआ। यदि खर्चा अगले साल क्रिस्टलाइज हुआ सेटल अगले साल हुआ तो वो फिर प्रायर पीरियड खर्चा नहीं है। इसमें ये दो रूलिंग आपको गाइडेंस करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपके लिए। अब 29A पे आ जाएंगे। Whether any amount is to be included as income chargeable under that income from other source as referred to in clause 9 of subsection 2 of section 26. If yes, furnish the following details, nature of income and amount thereof.
ये बात करता फॉर फ्यूचर की कि आपको आपने प्रॉपर्टी के लिए बयान दिया, आपकी डील कैंसिल हो गई, फॉर फ्यूचर हो गया उस बयाने का, तो उस केस के अंदर जिस बंदे को बयाना मिला है वो उसकी इनकम माना जाएगा। हमें मानते कि एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन था ये भी, इसके अंदर दो कंडीशन का सच्चा होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, पहले तो एडवांस होना चाहिए, फिर उसका फॉर फ्यूचर होना चाहिए। यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये बेनिफिट, तो ये इनकम माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो प्रोफेशनल के व्यू है कि यदि दो डिफरेंट आ गई होंगी तो शायद टैक्स नहीं हो पाएंगी, ये उनका व्यू है, डिस्प्यूट है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता है टुडे, क्योंकि डिफरेंट व्यू है। और 56-10 पे आ जाते हैं, ये बड़ा ही मुद्दे क्वेश्चन है और जो कि हर तरह की प्लानिंग को फेल करता है। यदि कोई मुझे अमाउंट रिसीव हुआ किसी से तो वो विदाउट कंसिडरेशन है तो वो मेरा हाथ में टैक्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो वर्ड है रिसीव यूज किया गया, मीन्स हमें रिसीव भी पढ़ना है, अक्रू और राइट नहीं पढ़ना है, और हमें रिपोर्ट करना है नेचर ऑफ इनकम और उस पर कितना प्रॉफिट हो, क्या अमाउंट कितना है उसका। अगर हम कुछ क्वेश्चन सर करते हैं तो दैट हम समझ सकें। अब मुझे गिफ्ट आया, कार आ गई मेरे पास गिफ्ट में, राकेश जी को मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, राकेश जी बहुत खुश हो गए। मैं कहा मनोज दो कार गिफ्ट करते हैं, अरे बताओ कार मेरे हाथ में टैक्स होगी नहीं होगी। हालांकि जी जी कोई जवाब है किसी को? सारे मेंबर्स ओपन है, जवाब तो कोई नहीं है सर। इनकम टैक्स मुझे टैक्स कर सकता कार के ऊपर? सर जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन दे रखी है मूल प्रॉपर्टी की, उसमें कार इंक्लूड नहीं है। यदि आप मुझे कार गिफ्ट करोगे तो मेरे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो एक चीज और पूछता हूँ, आपको लगा कार तो बहुत महंगी हो जाएगी, मनोज जी गोल्ड कॉइन ले लो। मैंने चलो कोई बात नहीं, गोल्ड कॉइन ही दे दो यार, कुछ तो मिल रहा है। तो ये गोल्ड कॉइन को टैक्स कर सकते हो मेरे हाथ में गवर्नमेंट? गोल्ड कॉइन नहीं होगा सर, तो ज्वेलरी है, वहां तो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन है। बुलियन भी तो है। तो सर गोल्ड कॉइन ना तो बुलियन है ना ज्वेलरी है, तो आप दो चाय चीज मुझे गिफ्ट दे दो, इनमें टैक्स नहीं लगेगा। इमूल प्रॉपर्टी कोई आती है तो मैं स्टैच्यू राइट है डिस्प्यूट करने का बिफोर द वैल्यूएशन ऑफिसर, तो मैं सारी रिपोर्ट ना करके 3C के पैरा 3 और 3C के पैरा 5 में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात और बताओ, बेटी की शादी थी, उस पर गिफ्ट आ गए बहुत सारे, 5 लाख से ऊपर का अमाउंट आ गया, फादर को मिल गया, फादर ने अपने बैंक में जमा करा लिया। ये सबके लिए क्वेश्चन है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि सर गिफ्ट तो उसी को अलाउड है ना, इस बिटिया की जिस लड़की है डॉटर की शादी थी उसको गिफ्ट मिलना चाहिए था ना, उसी को एक एग्जेम्प्ट है सर। चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डॉटर ने फादर को गिफ्ट कर दिए 10 लाख रुपए, टोटल 10 लाख रुपए आए थे, फादर को गिफ्ट कर दिए, तो डॉटर ने फादर को कर दिया, रिलेटिव में तो टैक्स लगेगा नहीं। तो क्या होगा? तो मैं 216 एसटी में कवर हो जाऊंगा, जो कहता है 2 लाख से ऊपर की कोई भी सम रिसीव होगा और वहां पे कोई वो नहीं है रिलेटिव या नॉन रिलेटिव का, और 2 लाख से ऊपर पेमेंट आ गई तो वहां टैक्स लग जाएगा। हाँ बेटी अपने अकाउंट में जमा कराएगी कैश सारा और तब गिफ्ट देगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगी, चेक से देगी तो। यदि कोई पेमेंट ट्रस्ट के द्वारा रिसीव होती है तो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें टैक्स लग जाएगा। अब पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 216 एसेस टेकन ऑन एसेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
particular subject is specified some in amount exceeding the limit specified in section 2 shall assess taken or accepted during the previous year. आपने कोई लोन लिया है, कोई आपने स्पेसिफाइड सम लिया जो एसएस में या एसटी में कवर है, तो इसमें क्या सिचुएशन होगी, क्या मेरे हाथ में लोन टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, चेक से तो मुझे मालूम है कैश में आएगा तो मैं हिट हो जाता हूँ। यहाँ इशू आता है जनरल एंट्री का, जनरली कि जनरल एंट्री के थ्रू मैं इसमें कवर हो जाता हूँ या नहीं होता। मैंने जनरल एंट्री के थ्रू लोन पे कर दिया या लोन रिसीव कर लिया तो मैं कवर होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। और आप इसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी मेंबर, कोई भी अपना जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। क्योंकि जनरल एंट्री है तो मैं कैसे रिपोर्ट करूंगा, सर मैं आपको बताता हूँ। जो ट्यूशन एसएस है वो लोन लेने की बात करता है और लोन जो डेफिनेशन दे रखी है वो कहता है ऑफ मनी, वो कहता है जो लोन है डेफिनेशन ऑफ लोन ऑफ डिपॉजिट दैट इज ए मनी, यानी कि उसने जो डेफिनेशन है लोन एंड मनी को रेस्ट्रिक्ट कर दी मनी को लिए। इट मीन जो अगर जनरल एंट्री कवर ही नहीं है, जो कवर ही नहीं है उसकी रिपोर्टिंग क्यों करूंगा मैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट क्या था, मैं रिपोर्ट कर देना चाहिए, हम शेड्यूल 3C में रिपोर्ट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा कोशिश होके हम अपने 3C के पैरा 3 और 3C के पैरा 5 में रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें एक मजेदार केस हो रहा है, अखिलेश यादव डिंपल यादव का, वे पॉलिटिकल बंदे, इन्होंने सोसाइटी बनाई और सोसाइटी से 50 लाख का कैश लोन ले लिया, ये उन्होंने एडिशन कर दिया। क्या है सही था राकेश जी, एडिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैश लोन ले लिया 50 लाख का, तो जब ये मैटर ट्रेवल किया इलाहाबाद कोर्ट का तो अखिलेश जी ने कहा कि देखो पेयर को आप जानते हो, पे को जानते हो, जेन्युइननेस को जानते हो, ये आया क्यों, तो जैसे मैंने 43 में बताया था कि कैश लोन कैश खर्चे के लिए, यदि जेन्युइननेस प्रूव हो जाए पेयर पे आइडेंटिफाई हो जाए तो ये सेक्शन 2C एसएस इन्वोक नहीं हो सकता। जब सेक्शन इन्वोक ही नहीं हो सकता नहीं लग सकता, ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही। इसमें जो सर्कुलर आप ले सकते हैं 384/1984 का है और केपी वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कहता है कि यदि कोई एंटी अब्यूज प्रोविजन है तो एंटी अब्यूज प्रोविजन को आप उसी पर्पज से पढ़े किस पर्पज को लेके आया है, और प्राइमरी ऑनर्स एओ पे होगा तो प्रूव करने का कि ये एंटी अब्यूज प्रोविजन हिट होता है यहाँ पे। ठीक है बलदेव जी, आपका भी ये क्या व्यू है, सब कहना है एग्री है, गो अहेड सर, गो अहेड, नाउ आई एम एबल टू स्पीक नाउ, बस सही गाइडेंस नीति रहा सही रहता है। नहीं, वो पहले मोबाइल पे ना उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है जी, अब एक सेक्शन है ट्यूशन एसटी पर्टिकुलर्स ऑफ ईच रिसीव इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन ट्यूशन एसटी। ये तीन कंडीशन कहता है कि एक दिन इन्हें डे के अंदर एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी सिंगल ट्रांजेक्शन से अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी वन इवेंट से रिलेटेड में 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने मैरिज की बात की थी वहां पे सिंगल ट्रांजेक्शन हो गई 2 लाख से ऊपर की, 10 लाख रुपए जुट कर दिए और ये रिलेटिव को कवर एग्जम्प्ट नहीं करता तो यहाँ पे वो हिट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो कि आपने किसी से लोन लिया, आप किसी ने लोन दिया एक ही दिन में दे दिया 1-1 लाख रुपए करके तो भी आप कवर हो जाते हो, तो एक दिन के अंदर हो गया। अब मान लो आपने किसी को हायर किया इवेंट मैनेजर को कि आप मेरे बेटे की शादी कराओगे, ठीक है जी कराएगा, वन इवेंट हो गई, उसने 50 लोग खड़े कर दिए उस इवेंट वन इवेंट पे, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट से है। अब चाहे आपने 10 लोग को पेमेंट किया वन इवेंट पे, लेकिन क्योंकि दैट पेमेंट इज रिलेशन टू वन इवेंट, अरे जो 2 लाख से ऊपर है कैश की तो कॉल्ट हो जाएगा। अच्छा अब सवाल ये होता है क्या ये सेक्शन दोनों इकट्ठे इन्वोक हो सकते हैं, एंटोसन एसएस एंड एंटोसन एसटी, तो दोनों इकट्ठे नहीं इन्वोक नहीं हो सकते, एक में लगेगा दूसरे में नहीं लगेगा। अच्छा ये जो टैक्सेबिलिटी है एसटी की, ये क्वा रिसीवर है पेयर नहीं है,
और एक बड़ी मजेदार की बात है, जहाँ हमने ट्यूशन एसेस डिस्कस किया और वहाँ पे लोन्स एंड डिपॉजिट डेफिनेशन डिस्कस की जो मनी की बात करती है, लेकिन जब पेमेंट ऑफ लोन की बात आती है ट्यूशन एसटी में, तो वहाँ डेफिनेशन अलग है लोन्स एडवांस की, और वो कुछ हद तक जनरल एंट्री को भी कवर करती है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, मिक्सअप मत करना कि जो डेफिनेशन वही था वो डेफिनेशन वहाँ पर भी है, अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह है, तो मैं डेफिनेशन पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अच्छा अभी आता है कि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कवर है 56:10 में, तो इस पे जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द अनअप्रोप्रिएट शेयर कैपिटल, डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर, ये कवर नहीं होगा, बोनस इश्यू भी कवर नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर्स आर विदाउट पेमेंट एंड बट नॉट विदाउट कंसीडरेशन, तो 56:10 में कवर नहीं होगा, फ्रेश इश्यू शेयर में कवर नहीं होगा, राइट इश्यू कवर होगा या नहीं होगा, यदि प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट तो नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनल तो कवर हो जाएगा, ये कुछ इश्यूज है जो 56:2 के हैं, मैंने कवर किए हैं। पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट ऑडिट, ये एक सेटल्ड है, हालांकि आप बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते ऑडिट भी नहीं होता, तो दोनों की पेनल्टी की प्रोविजन है, लेकिन देयर आर सर्टेन जजमेंट जो कहते थे नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स की पेनल्टी लग गई है, तो ऑडिटिंग की जो पेनल्टी नहीं लगेगी, डबल पेनल्टी नहीं हो सकती। सेक्शन 79 जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिया है कि जिस साल आपकी शेयर होल्डिंग, जिस साल आपको लॉस होता है और जिस साल आप यदि शेयर ट्रांसफर करते हैं, दोनों में 51% शेयर्स होल्ड 51% है, दोनों में जो शेयर्स हैं होल्डिंग 51% वोटिंग राइट्स यदि सेम है तो कैरी फॉरवर्ड लॉस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लॉज 34 बात करता है वेदर द असेस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B और 17B, तो यहाँ हमें रिपोर्ट करना है जो किसी सेक्शन में टीडीएस कटना था कितना कटा, ये सब हमें रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप पेमेंट, इसमें पहला पूछता है कि पर्टिकुलर पेमेंट टोटल पेमेंट कितनी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट है तो टोटल पेमेंट कितनी है, ये जो टोटल पेमेंट है आपको रिकंसाइल करनी चाहिए पीएनएल से, ठीक है ना, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट पूछता है वो, क्या उसमें टैक्स कटा है नहीं कटा वो ये नहीं पूछता। जनरली ऑब्जर्वेशन आया जब टैक्स ऑडिट रिपोर्टों को रिव्यू किया टैक्स ऑडिट रिव्यू कमेटी ने, तो उन्होंने पाया है डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस तो हो ही नहीं सकते, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट टोटल जितनी पीएनएल में उतनी आपकी उसमें होनी चाहिए, जितना प्रोफेशनल पेमेंट है उतनी उसमें वहां होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। 56 क्या कहता है, वेदर द असेसी हैज इश्यूड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड एज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 22 सेक्शन 2, मतलब डीम डिविडेंड की बात करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यस वेदर यू हैव रिसीव्ड डायरेक्टली, यस कवर होंगे, वेदर रिसीव्ड बाय द कंसर्न, वेदर शेयर होल्डर हैज इंटरेस्ट टैक्सेबल इन द हेड ऑफ शेयर होल्डर, देन टैक्सेबल शेयर होल्डर के अंदर होगा, बट जब ये एडवांस दिया हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो ये कवर नहीं होगा। तो ये कवर नहीं होगा, बिजनेस एडवांस 222 में कवर नहीं होगा। जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट है वन एंटिटी टू अदर एंटिटी, ये भी कवर नहीं होंगे, ठीक है। और वन कंपनी, यदि दो कंपनी है कॉमन शेयर होल्डर है, तो ये मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी कि इसमें कवर हुआ नहीं हुआ, और आपस में एक दूसरे को लोन देती है नहीं देती है, तो डिविडेंड कवर है या नहीं है, इट्स अ मैटर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये 222 ई इन्वोक कब होता है, जब आप प्रॉफिट देते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है राकेश जी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, अब वहां हमें जज करना है करंट ईयर प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं नहीं होते, वो इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं जब क्लोजिंग डेट होती है, बीच में नहीं इंक्लूड होगा। डेफर्ड टैक्स रिजर्व इंक्लूड नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व है। एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होगा, शेयर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, तो ये सब आप एक्सक्लूड करोगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से, तब आप वर्कआउट करोगे कि टैक्सेबल पार्ट कितना है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हैं, उसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपने ये निकालना है जब सिचुएशन में फंस जाओ कि मेरा जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है जिसपे डीम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी
डीम 222 ही अप्लाई होना है वो कितना है, ये नहीं कि जो ही मेरे बैलेंस शीट में आ रहा मैं सारा ले लूं, पहले मुझे उसमें से कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है सर जी। स्टिपुलेशन ट्रांजेक्शन हम जानते हैं जो कि नॉट सेटल्ड बाय डिलीवरी वो होती है, और 43(5)(b) के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है वो स्टिपुलेशन ट्रांजेक्शन में नहीं आती है, जस्ट एन रेफरेंस पर्पस। टर्नओवर क्या होगी इसके पर्पस के लिए, जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं जहां पे डिलीवरी नो नहीं होती, आपका जितना भी प्रॉफिट है जितना भी लॉस है उस सबको ऐड कर दो, और यदि वो टैक्सेबल ऑडिटिंग लिमिट से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराने, नहीं तो नहीं कराने। अब एक इश्यू आया कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं नहीं कर सकते, या सीए कर सकते हैं नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो अलाउ कर दिया है लेकिन सीए को आज की डेट में भी अलाउ नहीं है, ठीक है सर। सर कर तो दिया अलाउ, सीए को अलाउ नहीं किया सर, अभी सीए को कर दिया सर, अभी किया तो है सर पीछे अलाउ कर दिया सर, कर दिया कुछ लिमिट तक अलाउ, लिमिट तक अलाउ किया सर। अच्छा डायरेक्ट ट्रांजेक्शन अलाउ कर दी, डेरिवेटिव अलाउ कर दिया सर। थैंक यू सर फॉर अपडेशन, थैंक यू सर। मनोज जी सर इसमें बताया जो डेरिवेटिव में जैसे आप बात कर रहे हैं अभी टर्नओवर निकालने के लिए तो हमने प्लस और माइनस कर लिया उसका, जितना प्रॉफिट आया जो लॉस आया टर्नओवर निकाल ली। सपोज मेरी 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर आ गई, वो मैंने टैक्स वेट कर लिया उसका, लेकिन सर जो टर्नओवर रिपोर्ट तो कहीं नहीं होती सर, वो वाली टर्नओवर उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे आप? वो जो टर्नओवर है वो सब जज करने के लिए है क्या 44A में कवर हो या नहीं है। हाँ जी हाँ जी, उसका जो अकाउंटिंग पार्ट है मैंने देखा डिफरेंट प्रोफेशनल डिफरेंट मेथड फॉलो करते हैं, कुछ लोग तो क्या करते हैं मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो जितना भी प्लस पॉइंट है मतलब जितना भी डिफरेंस है वो 1 करोड़ का, जैसे आपकी 1.5 करोड़ टर्नओवर है मान लो, हाँ जी हाँ जी, उसको टर्नओवर ले लेता है उसी में खर्चा नहीं, जब आप जो प्लस है उसको टर्नओवर मानता है नुकसान को वो परचेज बुक कर लेता है डिफरेंस को रिपोर्ट कर लेता है जी। आप चाहें तो जो आपका एक्चुअल में टर्नओवर है नॉर्मल पेरेंट्स में उसको टर्नओवर काउंट कर लो, और जो परचेज है उसको परचेज काउंट करके भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, मतलब ये आपके लिए ऑप्शनल है जी। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज सेपरेट इशू और जजिंग द लिमिट इज सेपरेट इशू। मतलब जो हम टर्नओवर निकालेंगे ऑडिट के लिए उसको रिपोर्ट तो कहीं नहीं होगी ना सर, वो वाली टर्नओवर नहीं नहीं वो रिपोर्टिंग पर्पस से नहीं है, वो जज करने के पर्पस से जी जी। आप कवर होते हो नहीं होते हो, ठीक 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 है। बलदेव जी आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हो? प्लस वाला ही कर रहे हैं टोटल करके नेट इनकम दिखा, नेट इनकम दिखा, नेट को टर्नओवर मान लेते हो? नहीं नहीं टर्नओवर तो टोटल मानते, दिखाने पीएनएल के लिए नेट ही जाए, टर्नओवर के लिए तो वही है। वो भी कर सकते हैं आप, इनकम के जो रसीट है आपका नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट की तरफ लेते हैं, लॉस है लॉस की तरफ लेते हैं, दोनों का टोटल आपके टर्नओवर वो भी कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल ऐसे जो आप चाहे मेथड अकाउंट ही आपके बहुत मेथड है, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट हाउ यू आर फॉलोइंग दैट, ठीक ठीक है। राकेश जी आपस में बात करते रहिए ना जी जी जी, पार्टिसिपेंट तो अपन बिजी रहेंगे, ठीक है सर। बलदेव जी सर आप करो ना सर कुछ अपडेट। नहीं नहीं अपडेट तो चलता रहेगा, अभी तो अच्छा मनोज जी पॉइंट बाय पॉइंट क्लॉजेस को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं जी जी जी, इश्यूज कई आते ही रहेंगे बीच बीच में जी जी, बीच में इश्यू कई पूछे भी उन्होंने, मैं म्यूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर से हो नहीं रहा था जी 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 जी। देन आई विल कम बैक अगेन, अगर क्वेश्चन किसी को याद हो तो बता दे फिर हम फिट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सर ऐसा कोई था ना, मनोज जी ने ले लिए थे साथ के सारे, मनोज जी ने साथ साथ बोलते रहे ना बलदेव जी आप क्रीड हो नहीं जी जी जी, उस टाइम नहीं म्यूट नहीं कर पाया, अनम्यूट नहीं पाया। सर जो ये स्पेकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया था सुदेश जी ने दिया था क्वेश्चन एक, तो सर अगर सेम डे मान लो सेल कर दिया सेम डे में परचेज कर दिया उन्होंने तो जो ब्रोकर की रिपोर्ट आती है उसमें भी स्पेकुलेशन में दिखाते हैं वो क्या चीज, एक्चुअली डिलीवरी नहीं होती ना उसमें, डिलीवरी होती है, क्वेश्चन यही था मनोज जी का, डिलीवरी हुई क्या नहीं हुई, डिलीवरी तो कहां होगी सर सेम डे वाले में, डिलीवरी अगर देखो वही मनोज जी ने कहा अगर डिलीवरी है तो नहीं है तो भी दोनों
इंट्रा डे ट्रांजेक्शन हो गई, हाँ जी, तो भी नहीं है स्पेकुलेशन। डिलीवरी होगी तो भी नहीं है, दोनों ही तो कवर किए हुए। स्पेकुलेशन नहीं होगा वो, ना ना स्पेकुलेशन। और मोर ओवर हम डिस्कस करते हैं ना, क्या ये स्टॉक इन ट्रेड है, क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल गेन है, क्या बिजनेस इनकम है, वो भी एक इश्यू रहता है काफी। हाँ जी, हाँ जी, जब शेयर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपको बिजनेस में लेना है कि इन्वेस्टमेंट में लेना है, वो कंफ्यूजन रहता है, क्या मेरे पास ऑप्शन है, क्या ये करने की, क्या डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन। जी जी, अर्लियर ये बहुत लिटिगेशन का इशू रहता था कि हम कहते थे कैपिटल गेन है तो वो कहते थे बिजनेस है, हम बिजनेस कहते थे वो कैपिटल गेन। बेनिफिशियल टू द डिपार्टमेंट, वो उस हिसाब से मूवमेंट होती। बट नाउ दिस हैज बीन चेंज, नाउ द बोर्ड हैज गिवन द वेरी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, सर्कुलर है उसके ऊपर, कि ऑप्शन इज विद द एसएससी। अच्छा, वांट्स इन्वेस्टमेंट देन ही हैज टू फॉलो इन्वेस्टमेंट, इफ स्टॉक स्टॉक, मतलब ऑप्शन इज विद द एसएससी, डिपार्टमेंट उसको हिट नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, टिंकिंग नहीं करेगा, इट इज वेल फिक्स्ड ऑन द एज द बेसिस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द एसएससी इटसेल्फ एज अकाउंटिंग, हाउ यू जज के एसएससी ने ऑप्शन क्या ली, जी, तो उसकी अकाउंटिंग है, दैट इज ऑप्शन। अकाउंटिंग मैंने इन्वेस्टमेंट में की है तो इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक में है तो स्टॉक है। ठीक 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 है सर, ठीक आगे मनोज जी वापस आ गए। हाँ जी, हाँ जी, चलो थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। सॉरी यार, बीच में दो मिनट के ब्रेक के लिए सर, दो घंटे हो गए आपको बोलते हो सॉरी क्या के लिए सर, ये तो सॉरी कोई बात ही नहीं है सर, आप इतनी एनर्जी लगा के कर रहे हो, थोड़ा इतनी सवा दो घंटे लगातार बोलते हैं सर आपको। अच्छा, टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बना जिसने कुछ ऑडिट टैक्स ऑडिट जज किए, और लकली आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ दैट, तो उनके जो ऑब्जर्वेशन हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जब हम क्लोज 8 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपसे पूछता है कि किस क्लोज में आप कवर हो, तो जनरली कंपनी केस में थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 44A में हम कवर होते हैं, जो आप नहीं कर रहे लोग वो 1 कह देते हैं, 3 कह देंगे, लेकिन 44A में थर्ड प्रोविजन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो हमें 2 क्लोज रिपोर्ट करने हैं, एक तो थर्ड प्रोविजन और ए या सी पार्ट जिसमें मैं कवर हूं। ठीक है राकेश जी? जी जी ठीक है सर। आप सेकंड चीज जो मैंने जैसे बताई थी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये नहीं लिखते, हमें लिखनी चाहिए। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं हम रेफर कर देते हैं टू द नोट्स टू अकाउंट को, कैच पर द नोट्स टू अकाउंट। सर, नोट्स टू अकाउंट हमारे नहीं होते, वो एसएससी के होते हैं, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो हम अपने रिपोर्ट करने में नहीं करना कैच पर द नोट्स टू अकाउंट अटैच टू द बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एसएससी के हमारे नहीं है, हमें अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है। एड्रेस, एड्रेस में जनरली ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी आपकी जो एड्रेस हैं हम जनरली उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे, और दूसरा जो एड्रेस 3CA में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 3CA में रिपोर्ट कर रहे हैं, MCA में दूसरा एड्रेस रिपोर्टेड है। जैसे हमने कहा था बड़ा इनोसेंट क्लोज है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, हमें वेरीफाई नहीं करते हमने MCA में कौन सा एड्रेस रिपोर्ट कर रखा है, हमारा पैन में कौन सा एड्रेस है ये नहीं पता हमें, ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। 44AA के बिजनेस बिजनेस के लिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन कुछ एक मेंबर्स ने वहां पे भी यस मार्क कर रखा था, तो वी हैव टू से नो, नो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड द एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट कैप्ट, तो जनरली अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किसी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कोई और है और आपकी बुक्स कहीं और मेंटेन है, तो हमने ऐसे आपको बताया उसके हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। दूसरा, कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसके बारे में बताना चाहिए, हमने कंप्यूटर मेंटेन कर रखा है, तो सारी चीजें पर उसमें रिपोर्ट में होनी चाहिए जो मिसिंग थी। इन्हें मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेटेड बाय सच कंप्यूटर सिस्टम एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड एट वन लोकेशन, प्लीज फर्निश द एड्रेस ऑफ लोकेशन
along with the books of account, maintained at each location. जो आपसे पूछा था ऋषि जी, आपने कहा था यदि ब्रांच में रिपोर्ट जो पार्टली मेंटेन होते हैं, हेड ऑफिस जो पार्टली मेंटेन होते हैं, आपको जहां जहां जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उसकी लोकेशन और रिकॉर्ड बताने क्या मेंटेन हो रहे हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है, हम लोग बुक्स को रेफर करते हैं, वो क्या कहता है, लिस्ट ऑफ बुक्स अकाउंट एंड द नेचर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, जैसे इनवॉइस, रिसीप्ट, वाउचर्स, बिल्स, सेक्रेटरियल कंफर्मेशन, सर्टिफिकेट, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये सब भी हमें रिपोर्ट करनी है, हम ये रिपोर्ट नहीं करते। ICDS में ये ऑब्जर्वेशन ये है कि 13D के अंदर यदि आप अफर्मेशन में देते हैं तो आप कुछ डिटेल भरो, और यदि 13F में कोई भी नहीं है, आपको मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप नील मत छोड़ो, आप कुछ भी मत लिखो, ऐसा मत करो, आप लिखो नील, नॉट अप्लीकेबल, प्लीज राइट दिस, ब्लैंक मत छोड़ो। ICDS की जहां रिपोर्टिंग करते हैं ना कि पर कोई डिफरेंस है या नहीं है, उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना। ये मैंने आपको बताई दिया मेथड ऑफ वैल्यूएशन से, तो हमने डिस्कस किया था कि हम एज पर गाइडेंस नोट एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करता है, 145 इंक्लूसिव मेथड की बात करता है, तो हम कहेंगे यस वैल्यूएशन है, और वैल्यूएशन के बाद हम ये देखेंगे कि सर इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जब मैं बता भी चुका हूं। डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आई कि आप जो एडिशन और डिलीशन कर रहे हो, आप जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जा रहा है और जो आपके फाइनेंशियल में जा रहा है उसमें डिफरेंस है। चलो हमने माना जो डिलीशन है उसमें तो अंतर हो सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो मेथड है और जो इनकम टैक्स का मेथड है वो डिफरेंट है, लेकिन एडिशन में तो कॉलम में सेम होना चाहिए। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आप कुछ और फिगर भरोगे और ऑडिटेड फाइनेंशियल में कुछ और फिगर भरोगे तो दिक्कत है ना सर, तो ध्यान रखना है इसका। दूसरा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके टैक्स ऑडिट में अलग हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रिकंसिलिएशन बना के, लेकिन रिपोर्ट तो करने की कोई जगह ही नहीं है। रिकंसिलिएशन कह रहे थे आप 3C के पैरा 3 और 3C भी पैरा 5 में से रिपोर्ट कर सकते हो एक बार को। दूसरा जो आप अभी हमने डिस्कस किया ना, आपने कहा कि ऑब्जर्व हुआ कि डिफरेंस है, डिफरेंस की पॉसिबिलिटी भी है, रिकंसिलिएशन की आवश्यकता भी है, रिकंसिलिएशन हो भी जाएगा। हाँ, अब वो रिकंसिलिएशन को रिपोर्ट करना है क्या, क्वेश्चन ये है सर। इन माय व्यू इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड भी हो जाता है और सामने को पता चल जाता है डिफरेंस क्यों है, नंबर वन। नंबर टू सर, जनरली डिफरेंस बहुत एडिशन में डिफरेंस चांसेस कम मिलेंगे, आप डिलीशन में तो कैसे हो सकता है, एडिशन में चांसेस 0.1% है, एडिशन में होता है ना, जैसे बुक्स में आपने एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कैपिटलाइज नहीं करते, आप नहीं करते ना, 43A के हिसाब से आप उसमें करते हो टैक्स ऑडिट में, वहां P&L में चार्ज कर देते, तो ये डिफरेंस तो हो सकता है ना सर। एक बात बताइए, जब एक्चुअल फ्लक्चुएशन को आप कैपिटलाइज करोगे तो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अलग अकाउंटिंग करोगे, अपने बुक्स में अलग अकाउंटिंग करोगे, होती है अलग अलग। AS-11 मुझे कहता है चार्ज ऑफ कर दो ऑल एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, लेकिन 43A मुझे परमिट ही नहीं करता, मुझे कैपिटलाइज करना पड़ता है, राइट ऑफ नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा कैपिटल। मेरी एडवाइस है फिर वो कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस का भी इशू है, वो भी मैच नहीं करेगा। रिकंसिलिएशन तो बनाएंगे लेकिन कहीं नोट डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अभी कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट हम गाइड कर दें कि नोट डाल दें कहीं क्या। सर मैं कहना चाहता हूँ, नोट इसे डाल देना चाहिए, एक तो जैसे आपने बताया मुझे भी इसमें एडिशन हुआ आपसे बात करके, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन भी है कमेटी की कि जो एक्चुअल फ्लक्चुएशंस है जिसके लिए सेपरेट कॉलम एडिशन टार रिपोर्ट में रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिपोर्टेड है, ये ऑब्जर्वेशन भी उनकी है। उल्टा हो गया, बुक्स में है और नहीं है, वहां नहीं है। हाँ वहां नहीं है, वो पुराना पहले AS-11 पुराना पहले आता था, अब तो सारा चार्ज ऑफ करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। अगर कोई रीजन है तो बेटर तो ये कि हमारे लिए भी फायदा है, रिपोर्टिंग हो जाती है तो कल हमें भी याद रहेगा कि हमने क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, और पढ़ने वालों को भी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखेगा और हमारे फाइनेंशियल देखेगा, चाहे वो असेसिंग ऑफिसर ही क्यों ना हो, उसको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या डिफरेंस का कारण क्या है। बिल्कुल ठीक है, आपका रिपोर्ट कहीं ना कहीं डाल देना चाहिए आप। बिल्कुल ठीक।
अमाउंट एडमिजिबल बिजनेस, असल में जब भी आप टैक्स ऑडिट रिव्यू कमेटी ने क्या किया, फिजिकली साइन ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो उन्होंने पाया कि कुछ डायरेक्शन 32AC, 33AB, 33ABA की जो क्लेम की हुई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो अपलोडेड है और जो फिजिकली उनके पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आई उसमें थी नहीं। मुझे फिजिकल साइन में तो आपने कवर क्लेम नहीं कर रखा, लेकिन अपलोडेड में आपने क्लेम कर रखा है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन उनकी थी। अमाउंट एडमिजिबल अंडर इनएडमिसिबल 40AIA 80IA, इसमें मनोज जी क्या एडवाइस करते हो आप, जैसे फिजिकल में है और उसमें अलग अलग आता है। सर मेरे को ऐसा तो आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया, तो नहीं, नहीं अगर ऑब्जर्व किया ऐसा कभी होता होगा ना सर, ये टैक्स ऑडिट रिव्यू बोर्ड ने ऑब्जर्व किया है, उनकी ऑब्जर्वेशन आई है, कहा कि नॉर्मली अब क्या है ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिल किया हुआ है उसको पहले प्रिंट निकाल के लोग साइन कर देते हैं, या कुछ लोग कहते हैं नहीं हम उसको पहले साइन कर देंगे और उसकी कॉपी अटैच कर देते हैं। सर ये अगर है तो गलत है, मेरे हिसाब से डिफरेंस होना ही चाहिए। अरे मेरे क्योंकि 3CD में जो ऑनलाइन है उसमें हम क्वालिफिकेशन नहीं डाल पाते थे ना, फिर अब आपने सजेस्ट किया 3CA में फॉर्म में या बी में डाल दो सारी वो क्लेरिफिकेशन, अब फिर हार्ड कॉपी पे लेने की जरूरत नहीं है, जब वहीं आ गई तो दो बनाने की जरूरत तो है ही नहीं ना, कि है अभी अभी भी नहीं। नहीं सर मैं तो फिजिकली दो बनाता भी नहीं हूँ, और जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो 3CA के पहले 3 और 3CA के पहले 5 में दे देते हैं, नहीं डाल देते हो ना। तो हम मेंबर्स को यही गाइड करें कि वो अलग से कोई साइन ही ना करें, जो वही है उसी को ही देके उसको सर्टिफाई करें, बस आप दो ना बनाए एक ही रहे, ठीक है ना मनोज जी। ठीक है सर, क्योंकि मेरा भी कभी ऑब्जर्वेशन इस तरह का रहा नहीं कि दो इस तरह की बनी हो, मैं तो हमेशा अपलोड टाइम भी करता पहले हम बनाते थे ना क्वालिफिकेशन डालने के लिए। ठीक है सर, एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो संडे एक्सपेंस हम प्रोवाइड करते हैं ये रहने के अंदर, उसमें जो डेट डाल देते हैं वो रैंडम डेट डाल देते हैं टू मीट आउट 11/11, 11/11 इस तरह की, जबकि जिस डेट पे हमने बुक्स में डाला है उसी डेट में हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी स्पेसिफाई करना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन मेरे लिए नया था क्योंकि मैंने भी कभी इस तरह ऑब्जर्वेशन नहीं डाला, और बलदेव जो कुछ नॉलेज है उसके बारे में तो एनलाइटन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ एक मेंबर ने किया कि उन्होंने रैंडम डेट डाल दी इस संडे एक्सपेंस के अंदर, जबकि जो बुक्स में डेट डाली चाहिए वही रिपोर्ट होनी चाहिए मेरे व्यू में। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर? ऐसा मैंने देखा नहीं, नॉर्मली हो सकता है उसको कहीं इनकन्वीनियंस हो रही हो तो उसने शॉर्टकट को ढूंढ के डाल दिया हो, अदरवाइज ऐसा प्रैक्टिकली देखा नहीं ना कोई डिस्कस करता है ऐसा। मैंने भी यही ऑब्जर्वेशन है। हाँ वो कोई ऐसा रैंडम जैसे गलती से मीट हो गया होगा, या शॉर्ट टाइम होता है ना लास्ट आवर्स में कुछ कर रहे हो डेट नहीं मिल रही तो डाल देते हैं, अपलोड तो हो जाएगी कम से कम, दैट मे बी द रीजन, कोई कारण नहीं होगा ना। और कॉलम कोई खाली ना छोड़ने, नील ऑन नॉट एप्लीकेबल जरूर लिखें। 40A3 के डिसलाउंस की बात की गई है, असल में ना वो ये कहना चाहता है कि आप MRL में ले लो, क्योंकि आप जो है जब अकाउंट पे जैसे पेमेंट हुई है नहीं हुई है ये आप सर्टिफाई नहीं कर सकते, आप एक डिस्क्लेमर भी देते हो कि हमारे पोजीशन में सफिशिएंट रिकॉर्ड नहीं है टू सर्टिफाई कि ये अकाउंट पे चेक या नहीं है, तो जो एक MRL लेते हो उसके अंदर डिक्लेरेशन ले लो और 3C के पैरा 3 और 3CB के पैरा 5 में उसको रिपोर्ट कर दो SSC से, कि जो हम कह रहे हैं इसका हमने MRL में लिया हुआ SSC सर्टिफिकेट। अच्छा इसमें एक ऑब्जर्वेशन और आया कि हम इसको नोट अलग से नोट्स में देते हैं, 3CA को नोट अटैच कर दिया उसमें दे दिया, उसकी जगह हमें 3CA के पैरा 3 और 3CB के पैरा 5 में रिपोर्ट करना है, कहीं और रिपोर्ट नहीं करना। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSME डेवलपमेंट में, तो इसमें ये ऑब्जर्व किया कि ये एनुअल रिपोर्ट में तो आता है कि कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, बैलेंस शीट में तो आता है, लेकिन हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं करते, तो हमें ध्यान रखना कि जो अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो यहाँ भी हमें रिपोर्ट करना है। और कई समटाइम्स ये भी ऑब्जर्वेशन हुई कि जो पैन और नेम है रिलेटेड पर्सन की हम वो भी रिपोर्ट नहीं करें, तो भी हमें रिपोर्ट करने चाहिए।
whether the SSC is required to deduct or collect tax as per the provisions of chapter 17B or chapter 17BB, if yes, please furnish. यहाँ पे जो फाइंडिंग जैसे मैं आपको बताया था कि इनके अंदर जो क्लोज कहता है टोटल एक्सपेंस कितना है, जो टोटल एक्सपेंस है वो पीएनएल की फिगर से मैच करना चाहिए, वो मैच नहीं कर रहा है। और यदि कोई कारण है मिसमैच का तो हमें 3C के पैराग्राफ 3 और 3CB के पैराग्राफ 5 में स्पेसिफाई कर देना चाहिए। और यदि उसमें इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है 2061A में और 2067 में तो हमें डेट ऑफ पेमेंट विद अमाउंट हमें रिपोर्ट करनी है, ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमारा गाइडेंस नोट कहता है कि क्वांटिटी डिटेल दो प्रिंसिपल आइटम की, फिनिश गुड्स की, बाय प्रोडक्ट्स की, बट इसमें जो परसेंटेज ऑफ ईल्ड है वो रिपोर्ट नहीं हो रही है और ना ही कोई क्वालिफिकेशन जा रही है। यदि कोई भी कॉलम ब्लैंक जाता है तो हमें 3C के पैराग्राफ 3 और 3C के पैराग्राफ 5 में रिपोर्ट करना है। Details regarding turnover, gross profit for the previous years and the preceding years. Guidance note कहता है ये हमें वहाँ पे report करना है जहाँ trading और manufacturing activities हैं और जहाँ पे professionals हैं या service हैं वहाँ पे इसको report नहीं करना, तो वहाँ पे आपने note applicable लिखना है। Depreciation assets मैंने आपको बताया था, एक तो fixed assets पर use नहीं करना, property, plant and equipment use करना है और AS10 useful life की बात करता है। हम लोग सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन में कॉन्फर करते हैं तो हमें रिपोर्ट करना, क्वालिफिकेशन देनी है कि एस 10 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हुआ है। हम जनरली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पीएसएफी का नहीं देते, जो कि हमारा जो फॉर्मेट प्रस्क्राइब शूट का वो कहता है देनी चाहिए, तो हमें उसको क्वालिफिकेशन देनी है उसके ऊपर। प्लस डेटर्स डायरेक्टर्स लोन सील हम ये नहीं ना कि सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, हमें लिखना है कि जी और कंप्लायंस ऑफ AS15 करनी है। AS15 की मतलब जो ग्रेच्युटी की आप प्रोविजन करना है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट का फंड का प्रोविजन करना, उसको प्रोवाइड करना है। अब पेनल्टी 271B की है, अगर आप रीजनेबल कॉस्ट दिखा दोगे टैक्स रिपोर्ट ना फर्स्ट करने का तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, वो क्या 0.5% और 1.5 लाख की तरह हो, 1.5 लाख रुपए विच एवर ही हायर और लोअर सॉरी। अच्छा रीजनेबल क्या हो सकती है, फायर हो गई, थेफ्ट हो गई, या अकाउंट अवेलेबल नहीं है, उनको सीज कर लिया, डेथ हो गई, तो ये रीजन हो सकते हैं। ऑडिट प्रोसेस क्या करना है, एंगेजमेंट लेटर करना है, डॉक्यूमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को असेस करना है, ऑडिटर्स का रिस्पांस क्या है, ऑडिटर के प्रोसेस हमें अपनाना है। ये डिस्क्लेमर है, मैं ये छोड़ रहा हूँ राकेश जी। ठीक है सर, डिस्क्लेमर सारे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है, वो आप इसी पढ़ लेंगे सर जो आपके। हाँ मैं दूंगा उसमें आप लिख लेना। इसी तरह ICTS में क्या डिस्क्लोज करना वही मैंने यहाँ पे दे दिया, ये नोट्स आपको कॉपी पेस्ट ही करने हैं, इसमें कोई डिस्कस करने वाली रिपोर्टिंग नहीं है। सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। सर 2.5 घंटे आपने लगातार पूरे टैक्स ऑडिट को ना स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ा दिया है, एक एक क्लॉज विद केस लॉ, फिर सर्कुलर, नोटिफिकेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारी चीजें सर आपने बड़ी अच्छी डिटेल में सर डिस्कस की हैं। आई थिंक आपकी पीपीटी पढ़ने के बाद किसी को टैक्स ऑडिट में दिक्कत होनी नहीं चाहिए कोई भी, फिर भी इतनी डिटेल्ड आपने पीपीटी सर आज डिस्कस की है मीटिंग में, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ सर सर्कल की तरफ से। अब कुछ क्वेश्चन हो तो सर एक बार देख लेते हैं। देख लो सर। मंदु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ? जहाँ पर हम टैक्स ऑडिट की उसमें डिटेल्स लेते हैं 269SS और टी में, वहां दो चीजें पूछता है कि भी वेदर अबाय अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग। वहां पर अगर बाय चांस कुछ पेमेंट्स बाय चेक हुई हैं, कुछ बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हुई हैं, देन व्हाट टू डू? तो जो अकाउंट पे चेक हुई है अकाउंट पे मार्क करो, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मार्क करो। नहीं, अगर ड्यूरिंग द पीरियड काफी सारे अकाउंट ट्रांजेक्शन हुई है, लोन आया भी है गया भी है, और लोन आया है मतलब मान लो
suppose 10 transactions are by check, 10 transactions are by electronic clearing, then अब दो भागों में पार्ट में रिपोर्ट कर दो ना उसको, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग किया उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के 10 में दिखा दो, आप 20 ट्रांजेक्शन है ना, दस रिपोर्ट कर दो और क्या करोगे आप। ओके थैंक यू। तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है मनोज जी, इन केस ऑफ कंपनी ऑब्लिक एलएलपी व्हिच प्रोविजंस नीड टू बी रिपोर्ट इन क्लॉज 8। क्लॉज 8 सर देखो, क्लॉज 8 के अंदर तो आपने ये बताया ना किसमें कवर होते हो, बिजनेस में कवर होते हो, प्रोफेशन में कवर होते हो, आप टैक्स सूट क्यों करा रहे हो। जी जी। और यदि एलएलपी है और यदि ऑडिट हो रहा है 40 लाख से ऊपर, तो थर्ड प्रोविजन टू 44 ए भी रिपोर्ट करना है, और ए या सी में जो एप्लीकेबल है वो रिपोर्ट करना है। ठीक है सर, पीपीटी शेयर कर देंगे सर, कोई बात नहीं है, वो तो जाएगा, आप ही की है। वेदर आईटी से तो रिफ्रेश किया हुआ जो मैंने कहा वो रिफ्रेश है। जी जी, बलदेव जी और प्रमोद जी सब पढ़ा चुके हैं। जी जी सर, मैं तो सर रिफ्रेश किया है। जी जी। क्वेश्चन है सर, एक वेदर आईटीसी डिटेल्स टू बी मेंशन इन टैक्स ऑडिट, वो आपने बताया था आईटीसी 27 में बता दिया मैंने आपको। हाँ जी हाँ जी, आपको रिपोर्ट करना है, आपकी इच्छा नहीं करना मत करो, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो अभी अमेंडमेंट आया नहीं। जी जी, एडवाइजेबल रिपोर्ट करूंगा वैसे। जी जी, क्यू एंड ए में देख लेते हैं। आपकी ऑप्शन दे, मनोज जी ने कहा है आपकी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन ले रहे हो आप उसको डिस्क्लोज कर दो। हां उसको डिस्क्लोज कर दो। जी जी, आप नहीं दे रहे तो भी लिख दो, दे रहे हो तो भी लिख दो। ठीक है सर, दोनों के आर्गुमेंट है ना, जो फॉर्म में नहीं है वो मैं क्यों दूं। हां जी हां जी, जो एक्जिमा में है लेकिन फॉर्म का पार्ट नहीं है तो मेरा नोटिफाइड फॉर्म तो है ही नहीं, वो तो मैं क्यों दूं। ये कह सकते हैं आप कुछ देना चाहते हैं दे भी सकते हैं। हां प्रमोद जी मना करते हैं, जरूरत नहीं है। हां वो प्रमोद जी ये कहते हैं कि डिस्क्लेमर दे दो ना, ये नोटिफ पार्ट ऑफ उसका नहीं है। जी जी जी, एक्जिमा का पार्ट है, नोटिफाइड फॉर्म का पार्ट नहीं है, इसलिए हम वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द पर्मिशन। जी 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 सर। हां जब मनोज जी एक क्वेश्चन जरूर रह गया, वो अगर मान लो पार्ट ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए हमारे बैंक में। हां वो चेक कुछ मैंने लिया भी था उसको, वो रह गया पीपीटी में। असल में देयर आर सर्टेन जजमेंट्स जो मेरा विश्वास, जो मैं डिस्कस भी किया कई फोरम पे, कैश रिसीव क्या है कि जब मुझे कैश रिसीव हो कैश मेरे डिस्पोजल पर हो। जी, यदि किसी क्लाइंट ने मेरे अकाउंट में कहीं जमा करा दिया तो क्या वो कैश रिसीव है, कैश मेरे डिस्पोजल पर तो है नहीं, तो उसमें जजमेंट भी आया कि सब बैंक रिसीट माने कैश रिसीप्ट नहीं मानेंगे, हालांकि कॉन्ट्रेरी जजमेंट है इसके ऊपर। अच्छा मतलब डिस्प्यूटेबल है कोई। हाँ बट मेरा पर्सनल व्यू ये कैश रिसीप्ट मैं उसको मानता हूँ जब कैश मेरे डिस्पोजल पर हो। जी जी, ना कैश मेरे डिस्पोजल पर है ही नहीं तो मैं उसको कैश रिसीप्ट क्यों मानूंगा। जी जी, बलदेव जी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर। नहीं, फिर वही बात है, अगर टैक्स ऑडिट की बात कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, आप डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। कि आप यू आर रिलाई ऑन द जजमेंट और समथिंग यू हैव टू से। जी जी, किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन सर, आपने काफी डिटेल कर दिया है वैसे तो, और काफी क्वेश्चन फिर साथ के साथ भी हो गए हैं ना सर। हाँ जी, तो नाउ आई रिक्वेस्ट, मुझे क्वेश्चन बेस कर दिया ना, एफएक्यू साथ ही कर दिया। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। नाउ आई रिक्वेस्ट योर वेरी सीनियर मेंबर बलदेव जी टू प्लीज कंक्लूड द मीटिंग विद अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स सर। थैंक यू राकेश गुप्ता जी, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स टू द स्पीकर एज वेल एज द पार्टिसिपेंट्स। मनोज जी हैज डन अ वेरी एक्सलेंट जॉब, he has almost cover, कोई clause बची नहीं है शायद, और कोई issue भी छोड़ा नहीं है उन्होंने, A to Z he has covered all the things। जरूर हमारा नाम लिया जा रहा है प्रमोद जी का और मेरा, लेकिन but he has done excellent job, that refreshing के नाम से इन्होंने पूरा बहुत अच्छी presentation रही, सबको अच्छा detail knowledge भी मिली है। और जो राकेश जी बोल रहे थे कि अब tax audit करने में किसी को ज्यादा दुविधा नहीं होनी चाहिए, तकलीफ भी कम होगी क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, क्लैरिटी ज्यादा हो गई सर। हाँ, डे बाय डे और क्लैरिटी मनोज जी ने इतनी दे दी विद केस लॉ, सबसे बड़ा है इम्पोर्टेंट है केस लॉ, जो आपको फेवरेबल और अगेंस्ट दोनों आपकी नॉलेज में है, जिसको आप रिपोर्टिंग करने के लिए आपको इजी रहेगा। और पैनलिस्ट सभी हैं, इन सभी का भी धन्यवाद, आप लोग यहाँ पूरे सेशन में अवेलेबल रहे और पार्टिसिपेट भी किया, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि वो भी आज टैक्स ऑडिट के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे और पूरा टाइम
मनोज जी को सपोर्ट भी देते रहे, उनको क्वेश्चन भी पूछते रहे और इंटरेक्टिव सेशन भी रहा। एट लास्ट मनोज जी का तो धन्यवाद है ही है, आज बहुत बड़ा मैराथन दौड़ की है उन्होंने। थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर द दिस पार्टिसिपेशन, रियली थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाउ आई कंक्लूड द मीटिंग। थैंक यू सर।